किं विद्या किं तपसा किं त्यागेन सुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीवीर्यसो मनोहितम् किं विद्या किं तपसा किं त्यागेन सुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीवीर्यसो मनोहितम् शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर उपाध्याय ने बताए ये जगत का जो आकर्षण और विकर्षण का चीजें हैं ये तमाम आकर्षण और विकर्षण का चीजों से हमको मुक्त रहना है। आई मस्ट बी फ्री फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन। हर वक्त एक एक किस्म का अट्रैक्शन खिंचावट चारों ओर से बद्धजीव को हालत खराब कर देते। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए अगर परम वस्तु परात्पर अखिलेश्वर ठाकुर जी का पास जाना चाहते हो तो जितना सारे आकर्षण विकर्षण का वस्तु है इस जगत में सबसे छुटकारा मिलने का कोशिश करो फर्स्ट, नहीं तो बहुत मुश्किल। ये जगत ऐसा है, इस जगत में दो दिन के लिए आए हैं, ये ऐसा एक जगह है जिसको अपना नहीं बोला जाता। जैसे आदमी बोलते हैं हम फॉरेन में जाएंगे, आप महाराज फॉरेन कहाँ जाओगे, तुम तो फॉरेन में ही हो, फॉरेन में है ना। आदमी बोलते हैं हम फॉरेन में जाएंगे, हम बोले तुम तो फॉरेन में ही हो, ये जो तमाम ये दुनिया है ये फॉरेन है, इट इज नॉट योर ओन फ्लेश, ये तुम्हारा अपना जगह नहीं है, ये फॉरेन है। तुम नया करके फॉरेन में कहाँ जाओगे, यही तो फॉरेन। ये जगह हमारा नित्य जगह नहीं है, दो दिन का बाद हमको इधर से जाना है, असली जगह जो है उसी जगह जाना है। इसी बात का चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, तब तो समाधान हो जाए, नहीं तो असंभव। सुबह में उठाया था ये बात को, जब भी गुरु कोई व्यक्ति गुरु का काम करे, भगवत आवेश के बिना गुरु का काम करना संभव नहीं। भगवत आवेश जिसका ऊपर ना हुआ वो गुरु का काम नहीं कर सकता, सबसे बड़ा चीज है। और जिसका अंदर भगवत आवेश है वो उस तमाम जितना बद्ध जीव है, और जी सब बद्ध जीव चाहता है कि हमको मुक्त करो, हमको बचाओ, अंतर से जिसका चाहत है, अंतर से जिसका अंदर में चाहत है, प्रार्थना है, तो हम बचना चाहता है इस दुनिया से। और ऐसा माफिक जितना बद्ध जीव है शरणागत हो सबको ये पार लगा सकता है, संभव है। और सुबह में विचार करते करते देखा, बड़ा आश्चर्य चीज है, दुर्वासा मुनि का नाम कौन नहीं जानता, इतना बड़ा मुनिवर है। दुर्वासा मुनि का तेज हर आदमी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी दुर्वासा मुनि को गुरु बोलते हैं, गोपियों को बोलते हैं मेरा गुरु जी आया है, जाओ उसको दंडवत करके आओ, गुरु जी। भगवान का ऐसा ही स्वभाव है, सुशील स्वभाव। भगवान से बढ़कर कोई विनम्र नहीं हो सकता,
श्री चैतन्य महाप्रभु का जो विनम्र भाव देखे हैं, वो विनम्र भाव तो किसी शास्त्र में हम देखे तो किसी जगह नहीं, असंभव। भगवान श्री कृष्ण भी विनम्र भाव दिखाए, सुशील सौशील लगुन बहुत सुंदर। गुरु मानते हैं, साधु गुरु वैष्णव को गुरु मानते हैं। सुबह में देखे देखो कितना प्रभाव है, हम तो बहुत दूर तक जा चुके फिर भी पीछे का थोड़ा स्पर्श करा दे, क्योंकि कोई अगर नहीं आया हो तो उसको थोड़ा कंसेप्शन हो जाए, अनुभव हो जाए। ये अम्बरीश महाराज का बारे में बोला है, सप्तदीप अधिपति अम्बरीशो महाभाग सप्तदीप पतिम सप्तदीप सप्तदीप वतिम महिम अव्ययं च श्रियः श्रियं लब्ध्या प्रभवं च अतुल भवे। सप्तदीप का अधिपति होते हुए भी देखा कैसे नौविधा भक्ति का जाजन किए, नौविधा भक्ति पूरा। जब भी चैतन्य चरितामृत में बोला हुआ है, लिखा हुआ है, एक अंग साधे किंबा साधे बहु अंग निष्ठा होते उपजय प्रेमेत्तर अंग। नौविधा भक्ति का जो विषय है बड़ा गुरुत्वपूर्ण विषय है। आप देखे हो प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग में प्रहलाद महाराज पूछा था नौविधा भक्ति के बारे में, बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवा इत्यादि बताए। और यहाँ भी ये प्रसंग, नौविधा भक्ति का कोई भी अंग आप सही ढंग से गुरु वैष्णव का अनुगत्य में आश्रय लेके गुरु का अगर करते रहो, एक अंग से ही सिद्धि हो सकता है। ऐसा कई उदाहरण है, विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत व्यास की कीर्तने वह न प्रहलाद स्मरणे लक्ष्मी पाद सेवने वह न, ऐसा करके जितना सारे है लक्ष्मी पाद सेवने, उसके बाद कोपिपोतिर दास से, उसके बाद ओक्रूर जो है पाद अभिवंदने, सारे जो है ये सब श्लोक बहुत चर्चा हम किए हैं पूर्व भी पहले भी। सारे जो है एक एक अंगों का साधन करके सब आचार्यों का पद में बैठा हुआ है, पूरा आचार्य बन गया। और इधर जो है अम्बरीश महाराज जो है नौविधा भक्ति का पूरा के पूरा जाजन कर रहा है। सुबह में इस विषय में चर्चा हुआ, अभी बहुत आगे चल गया फिर भी पीछे दो एक शब्द बोल दे। बोले कैसे करते हैं, बोले पूरा अपना जितना इंद्रिया है पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो मन सबके द्वारा हर वक्त ठाकुर जी का सेवा में लगे हुए हैं। वहाँ चर्चा किया था सब ये मन कृष्ण पदार बिंद योर वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णनी करो तत् हरेर मंदिर मार्जना दिशु सुतीं चकारच्युत सद कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशो दिशो तद्वित्त गात्तो स्पर्श अंग संगम घ्राणंच तत्पाद सरोज सौरवे श्रीमत् तुलस्वर सनाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषि केश पदा विपंदने कामंच दासे न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक गुणाश्रयामति। ऐसे पूरा नौविधा भक्ति पंच कर्मेंद्रियो पंच ज्ञानेन्द्रियो मन सबको ठाकुर जी का पूरा सेवा में लगे हुए हैं। यही एक रास्ता है, यही एकमात्र रास्ता है जिस विषय मैंने शुरुआत किया था, जो कैसे इस जड़ जगत का जो अट्रैक्शन है, इस जड़ जगत का जो आकर्षण विकर्षण है, इससे बाहर कैसे जाए। इस जड़ जगत का जो आकर्षण और विकर्षण है हर वक्त हमको खींच रहा है, मुसीबत में डाल रहा है, इससे छुटकारा कैसे मिले, इसको बताने के लिए हम पीछे चला गया था। फिर याद दिलाने के लिए
जो अम्बरीश महाराज जैसे तमाम अपना कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो मन सबको भगवत जी ठाकुर जी का सेवा में लगा दिए, दैट इज द ओनली प्रोसीजियर, यही एक रास्ता है संसार जय करने का, यही एक रास्ता है और नहीं तो कोई रास्ता है नहीं। सारे इंद्रियों सब अगर बोलेंगे कि हम नाम करते रहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा स्थिति तो ऐसा नहीं हुआ, गुरु वैष्णव का अनुगत तो करते करते अगर स्थिति ऐसा हो जाए तब क्या होता है, वो सेवन मुखे ही युहायम स्वयं अवस्फूर्ति अतः कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही युहायम आदो स्वयं स्फूर्ति अदा, ये हो सकता। ये बात बड़ा वाइटल बात है, खूब इंपॉर्टेंट चीज है, सेवन मुखे ही युहायम आदो स्वयं, जब सारे अंतर्वृत्ति और सारे इंद्रियों भगवान का सेवन में उन्मुख हो जाए तभी ये जो नाम शुद्ध नाम इसके द्वारा पुरिकर वैशिष्ट सारे समझ में आए, उसका पहले नहीं। सेवनमुख होना, सेवनमुख होना बड़ा बात है, सेवनमुख होना एक छोटा मोटा बात नहीं, सेवनमुख बन जाए तो सारे समस्या का समाधान, लेकिन सेवनमुख होना बहुत मुश्किल है। बामन गोस्वामी महाराज का आविर्भाव तिथि में भी ये सब, जैसा गुरु वैष्णव का सेवा करते चलोगे उतना ही आपका जो विमुख भाव धीरे धीरे दूर होते रहेंगे। सुबह में यहाँ तक चर्चा हुआ था कि देखो 60,000 साल तपस्या करने का बाद सौभरी मुनि ऋषि का क्या हालत हुआ। सौभरी ऋषि कोई साधारण नहीं, 60,000 साल तपस्या करने का बाद क्या हालत हो गया, इस बात को याद दिलाने के लिए मैंने ये श्लोक को पहले ही उच्चारण किए। किं विद्वया किं तपसा किं तगेन सुतेन वा किं विविक्तेन मौनेन स्त्री वीरजसो मनोहृतम। क्या करोगे, तपस्या देख, तपस्या देखा कर क्या करोगे, विद्या देखा कर क्या करोगे, विद्या क्या काम का तुम्हारा, किंग विद्या या किंग तपस्या किंग त्यागे न सुते न चो, क्या करोगे ये सब, विविक तो भजन में जाओगे वो भी क्या होगा, मौन धारण करोगे उसमें भी क्या सुविधा, अगर स्त्री भी रजस्व मनोहृतम स्त्री जाति में आता संसार में अगर मन चला गया तो कोई भी तपस्या करो कोई भी कुछ करो कुछ नहीं होने वाला। एक दफे मन अगर फंस गया अटक गया तो गया, पूरा रुक गया जहाज और आगे नहीं बढ़ेगा, कितना भी तपस्या दिखाओ कितना भी कुछ करो कितना भी विद्या अर्जन करो सारे तुम्हारा सांसारिक काम में आएगा, मेटेरियल जगत का काम में आ जाएगा, ठाकुर जी का सेवा में नहीं लग सकता, बहुत मुश्किल। कितना पश्चाताप करना पड़ा, कितना पश्चाताप करना पड़ा, किसको, सौवरी मुनि को कितना पश्चाताप करना पड़ा, हाय भगवान 60,000 साल तक हमने तपस्या किया बस एक पल भर में सारे खत्म, जितना आपका भजन है जितना आप तपस्या करते हो कुछ भी करते हो वो भजन को बनाने के लिए कितना साल लग जाता है, हजारों हजारों साल, भजन को प्रस्तुत करने के लिए भजन को तैयारी करने के लिए भजन करते करते ठाकुर जी का पाऊ जो तैयारी है इसमें कितना साल लग जाता है बोलो, और अगर खराब होने में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, भजन को पूरा नाश करने में एक सेकेंड लगेगा। इसलिए जो व्यक्ति भजन करना चाहता है उसको सावधान होना है, बहुत सावधान। इस विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु का भी बहुत सारे निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य
पारंग पारंग जीग मीश भवसारग भवसागर संदर्शनम विषय नम अथ यशीतानंच हा हंत हंत बीष भक्नत्वी असाधु। क्या बोला चैतन्य महाप्रभु? निष्किंचन स्व, अगर निष्किंचन बना, निष्किंचन मतलब तुम्हारा जीवन जिंदगी में, तुम्हारा जीवन जिंदगी में ठाकुर जी भगवान छोड़ के कोई संपत्ति है नहीं, तुम ही तो आमार आमी तो तुमार की काज अपराधने। एक व्यक्ति बड़ा कई बार मेरे पास प्रश्न किया, बहुत अद्भुत अद्भुत प्रश्न, जो प्रभुपाद जी वैष्णव के इसमें जो क्वेश्चन किया, सेदुटी कथा भूलो न सर्वथा करो उच्च स्वर हरिनाम रप। हमको मिदनापुर से बड़ा एजुकेटेड समाज, बहुत विद्वान, बोले महाराज इसका माने क्या है? बोले इसका माने साफा नहीं होता, प्रभुपाद बोला है, थोड़ा समझो, थोड़ा प्रभुपाद जी बोला है लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा है, इसका माने क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल इसका अर्थ क्या है। हम बोला देखो इसका पहले का जो लाइन है उसको देखो, प्रभु सनातने जे ये जो है उपदेश सब कुछ है। हमने आप ठीक है प्रभु सनातन, जब भी कोई विषय में संदेह हो, डाउट्स हो, महाजनों का पद, इसका पहला लाइन और इसका बात का लाइन टोटली मिलाकर विचार करना चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। समझा मेरा बात? जब भी कोई डाउट हो किस लाइन में, इसका पहले लाइन क्या था उस विषय विचार में आ लाना है, और उसका नेक्स्ट लाइन क्या है, दोनों का आधार पर वो वैष्णव का चरण को शरण करो। महाजनों का जो विचार है ये एकमात्र तुम्हारा हृदय में प्रकट हो सकता जब तुम शरणागत हो। जब वो महापुरुष जाने कि ये मेरा शरणागत है, तब उसका अर्थ मुहूर्त में आपके हृदय में प्रकाशित कर दे, नहीं कि जितना भी विद्या रहे प्रकाशित नहीं होने वाला। तुरंत उधर बार बार कई जगह से प्रश्न आया, हम बोला देखो आपको क्या लगता है इसका? बोले महाराज हम तो समझ में नहीं आ रहा, ए दूटी कथा भूलो न सर, अरे ए दूटी क्या तक, कौन दूटी कथा, कौन दू बातें? हम बोले प्रभु सनातन ने बोला, ये जो सिखा जो हुआ उसका बाद ये आया। हम ला सनातन का, सनातन गोस्वामी हमारा संबंध ज्ञान का गुरु, फर्स्ट ऑफ ऑल संबंध ज्ञान का गुरु, रूप गोस्वामी बाद होविदो ज्ञान का गुरु आचार्य, गुरु तो सभी है, और रघुनाथ दत्त गोस्वामी पाद प्रयोजन तत्व का आचार्य। दिखाया चैतन्य महाप्रभु ये सब प्रमाण दिखाया, कैसे आपको पता चला रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रयोजन तत्व का आचार्य होना, ऐसे बोल दिया अपने भाषण में? हमने भाषण नहीं दिया, हम भाषण कभी नहीं देते, जब भी कुछ बोलते किस विचार का आधार पर शास्त्रों का। हम लोग देखो पढ़ते तो सबको ही है, बाजार में किताब लाओ और पढ़ लो हो जाएगा, पागल का माफिक पढ़ो। ये जो है इधर जो विचार है, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम पे का की, बोले गुंजा माला दान की थी, याद है? याद है गुंजा माला, इसके साथ गिरिराज शिला दान किए हैं, दिया है ना? ये दोनों का अर्थ क्या है, दोनों का क्या अर्थ है? गुंजा माला देने का क्या है? गुंजा माला देने का साथ साथ राधा रानी के पास समर्पण, माने राधा रानी प्रेम संपत्ति राधा रानी के पास आई है, और जो गिरिराज शिला का साथ कृष्ण चरण में समर्पण करे, दोनों अर्थात राधा रानी का चरम आप संग में रहो अनुगत में इंगित कर दिया, और गिरिराज का गोदी पे रहो, वही जगह तो रहा राधा कुंड में, राधा कुंड और राधा रानी अभिन्न है, एक ही है। तो ऐसे विचार करते हुए हम लोग आया कि देखो ये प्रयोजन तत्व का आचार्य सनातन गोस्वामी जी को बोले, श्रुति स्थिति का सब विचार करके कैसे क्या नियम पालन करना है, क्या है स्थापन करो, इसका माने क्या है। जब भी कोई गुरु जी आपको बचाने का कोशिश करे, पहले आपको सारे संबंधित जो चीज है वो पहले बताएंगे, दीक्षा का ही नियम है।
दीक्षा क्यों लोगे, लेने के बाद क्या होगा, आपका साथ रिलेशन क्या, सारे संबंध ज्ञान का पुरुषफुटन करने के लिए सब बातें चर्चा जरूरी है। नहीं तो संबंध दीक्षा मतलब संबंध ज्ञान का जागरण, दीक्षा मतलब ही संबंध ज्ञान का जागरण कर देना। अब तो सनातन गोस्वामी जी को पहले भी एक उदाहरण दिया, जगदानंद पंडित और सनातन के पास बिल्कुल मत छोड़ो। ये सब प्रमाण के आधार पर, ये सारे प्रमाण के आधार पर यही प्रमाणित होता है कि एकमात्र सनातन गोस्वामी हमारा संबंध ज्ञान की गौड़ीय समाज में, टोटल गौड़ीय समाज में संबंध ज्ञान का आचार्य। और रूप गोस्वामी बात को रस तत्व आदि स्थापन करने के लिए बताए, मतलब हाउ टू डू भजन, भजन का प्रोसीजर कैसे है वो बताने का मतलब ये ओविद्यो। अब जब संबंध पक्का नहीं हुआ तो ओविद्यो आपका शुरुआत कभी नहीं होगा। अभी ये प्रश्न आता है, एदुटी कथा भूलो ना सर्वथा, इसका माने क्या है? हम सीधा बोल दिया, आपको क्या लगता है? पहले का लाइन देखो, उसमें सनातन गोसाई का बात उठा है, तो इसमें एदुटी कथा भूलो ना सर्वथा करो उच्च शर्य हरिनाम राव, ये बोल दिए। इसका माने ये है, तुम्ही तो आमार आमी तो तुमार, की काज अपरोधने, क्योंकि उच्च स्वर में हरिनाम रब संकीर्तन तभी संभव है जब तुम्हारा जगत का आकर्षण विकर्षण से छुट्टी हो गया, मतलब जब आप समझे कि ठाकुर तुम हमारा है, हम तुम्हारा, बस राइट। ये जो शब्द है इसके द्वारा ये प्रमाण होता है, क्योंकि संकीर्तन आपका हृदय में कभी भी सम्यक रूप कीर्तन प्रकाशित नहीं होने वाला। जब तक आप कृष्ण को एकमात्र धन संपत्ति, तुम ही धन और मेरा कोई कुछ नहीं है, तुम छोड़ के मेरा सहारा कुछ नहीं है, ऐसे तो जो शुद्ध गुरु वैष्णव है सारे निष्किंचन, बामन गोसी महाराज आदि सारे निष्किंचन, प्रभुपाद सारे, भक्ति प्रमोद पुरी गोसी महाराज, केशव गोसी महाराज, सिद्धर गोसी, सारे निष्किंचन। देखो गोसाई महाराज तमाम दुनिया को ऐसे ऐसे हिला सकता है, गोसाई महाराज, ही वॉज अ सो जाइगेंटिक पर्सनैलिटी, इतना बड़ा पर्सनैलिटी था, जितना जितना ब्रिटिश अमल का जितना सारे आदमी था वो हबड़ा जाता था उसका पर्सनैलिटी, उसका उसका बात करने का तरीका, एक एक बात उठाए तो आप घबरा जाओगे, मूल तो बंद हो जाएगा। विदेश में प्रचार में भेजा था प्रभुपाद है, और उस समय क्या क्या हुआ था सोचो, दो एक घटना हम बोले, फॉरेनर लोग बोले कैन यू शो गॉड, ईश्वर दिखा सकते हो, तो महाराज जी बोले हाँ दिखा सकते, अकाल सुबह में आओ, सुबह में आए ईश्वर दिखाए, ईश्वर क्या चीज है कैसे, ऐसे तो दिखा के इशारा होता नहीं, महाराज ऐसे ही बोला। तो रात को चिंता करते रह गए, प्रभुपाद हम तो बोल दिया ईश्वर दिखाएंगे, ये तो फॉरेनर लोग है, मानने वाला नहीं है, हर वक्त बोलो क्या करें। अभी सुबह में क्या की, किराए पे किसी जगह रहे थे, दातन करते करते बाहर में घूम रहा है, दातन कर रहा है, करते करते अचानक देखा एक पेड़ का नीचे चतुर्भुज मूर्ति, वासुदेव मूर्ति चतुर्भुज, वो जाके तुरंत फेंक के हाथ पाथ धो के स्नान करके उठाया, गले लगाया, वासुदेव मूर्ति या कैसे प्रकट हुआ, ये विदेश है, मिलेच्छ देश है, हैं कैसे प्रकट हुआ। फिर आए उसके बाद विग्रह को दिखाए, फिर उसके बाद उस बारे में तत्व बताए, बहुत सारे घटनाएं। एक दफे कुछ नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ कैसे चले, विदेश में तो खाली हाथ बिल्कुल चलना मुश्किल है, पल पल में पैसा, अचानक चिंता करते रहे। और एक चिट्ठी आया कि आपका नाम पे कुछ पैसा जमा हुआ, वो उस बैंक में जाके आप उठा लो। महाराज बोले अब कैसे उठाया, हमारा तो कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है, जहाज करके गया था वो, बहुत सारे उस समय महाराज जी का पास जो आइडेंटिटी है वो दूर किसी जगह था, जो कार्ड है वो तो गया था फॉरेन में, तो कार्ड तो होगा जरूर, एक ऐसा जगह था वहां से लाना संभव नहीं। अब बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट जगह आया है, अभी भाषण चल रहा है, रात को भी भाषण होगा, अब जाना आना संभव नहीं,
मारासोरा टाका रुपया को कैसे उठाए। चिंता करते करते प्रभुपाद का चरण चिंतन किया, अचानक आदि याद आ गया, बैंक ऑफिसर का बैंक मैनेजर के पास गया। बैंक मैनेजर को बोले आई एम अतुल कृष्ण बंदोपाध्याय। बोले क्या प्रमाण है आप जो है? बोले हाँ प्रमाण है। अचानक बोले आप जो न्यूज़पेपर आपका सामने है इसमें देखो मेरा नाम आया, मेरा छवि आया, कल रात को मेरा भाषण था, अचानक दिखा दिया, ये मैं यही मैं हूं, देखो विश्वास ना हो जो जाके पूछ लो। अब बैंक मैनेजर दे दिया पूरा पैसा। तब के जमाने में ऐसा विश्वास था, इतना बड़ा साधु है। तो ये जो इतना बड़ा साधु, ये लोग क्या कुछ नहीं किया प्रभुपाद के लिए, और हम गुरु वैष्णव के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तो जो भी है, जब तक कोई परिपूर्ण रूप से निष्किंचन ना हो जाए तब तक उसका जवान पे हरिनाम संकीर्तन संभव नहीं। करो उच्च स्वर हरिनाम रप, कभी संभव नहीं होगा। जब ये पक्का हो गया ठाकुर जी हमारा, हम ठाकुर जी का, और की काज अपरोधनी, आमी तो तुमार तुमी तो हमार, की काज अपरोधनी, ये जब पक्का हो जाएगा तभी संकीर्तन वास्तव आप उसका जवान पे निकलेगा, नहीं तो निकालना संभव नहीं, असंभव है। जैसे शुद्ध गुरु वैष्णव सब निष्किंचन है, ऐसे ठाकुर जी भी बोलते हैं हम निष्किंचन है, तो लोग हंसी उड़ाए, आप निष्किंचन है फालतू बात। कृष्णो खुद बोले, रुक्मिणी का साथ बात करे, अहम निष्किंचन निष्किंचन जरि जनई प्रियो, हम निष्किंचन है। अच्छा जितना सारे निष्किंचन व्यक्ति सब उनको प्यार करता है। रुक्मिणी हंसते बोले हाँ बात तो ठीक ही है, बात सही है। रुक्मिणी हंसते हंसते बोला है आप तो निष्किंचन ही है, सबसे बड़ा निष्किंचन अगर कोई है तो कृष्ण ही है, कृष्ण चैतन्य है, इससे बड़ा निष्किंचन नहीं है। बोले महाराज निष्किंचन क्या, इसका क्या अर्थ, इसका क्या अर्थ होगा? बोले कृष्णो जैसे हम निष्किंचन ठाकुर जी का लिए, ठाकुर जी भी निष्किंचन। बोले ठाकुर जी निष्किंचन कैसे, क्या प्रमाण है? इसका हजारों प्रमाण हम शास्त्र से निकाल देंगे। द्वारिका में रहते हुए ठाकुर जी का संपत्ति कौन है, इसका बारे में प्रभुपाद जी व्याख्या किया। धन है, ये जो सौ धन है ये राधा रानी है। कृष्ण मानता नहीं मेरा कोई संपत्ति है ही नहीं, एक ही संपत्ति है वो राधा रानी का चरण, जब ही उसका नाम कृष्ण है। कृष्णो स्वयं निष्किंचन है, कृष्ण बोलते हैं अनंत ब्रह्मांड मेरा है, कौन बोला, कुछ नहीं है मेरा। मेरा बोल के अगर कोई संपत्ति है तो एकमात्र राधा रानी इसका चरण। तो भगवान श्री कृष्ण का जो निष्किंचन भाव, इसका प्रमाण हम हजार बार कर देंगे हर शास्त्र, लेकिन अभी समय नहीं है। जो भी है, तो ये जो है देखो, ये सौभरी ऋषि का जो हालत है ये बड़ा बुरा हालत हो गया। लेकिन अगर ठाकुर जी का नाम को आश्रय करते, हरिदास ठाकुर का माफी, क्या उसका जिंदगी में ये घटना हो सकता? हरिदास ठाकुर जैसे हरिनाम को आश्रय लिया था, ऐसा का सोबोरी ऋषि हरिनाम को आश्रय करके चलते, ना तो कोई माया पकड़ता, ना तो गुरुर भगवान को अपमान करने का भी इच्छा होता। जो लोग नामाश्रयी वैष्णव है वो उसका सामने सारे, तुम्हारा दृष्टि से बाहरी दृष्टि से वो एडुकेशन नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है। तुम्हारा दृष्टि में लगेगा वो बिल्कुल अनपढ़ है, भाषण नहीं दे सकता, कुछ नहीं देख सकता, तो क्या हुआ? भाषण में क्या आएगा जाएगा बोलो? भाषण के द्वारा तो ठाकुर जी मिलेगा नहीं, कुछ नहीं है एडुकेशन, सस कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है बाहरी दृष्टि में, और कुछ नहीं है वंशीदास बाबा जी में, अक्षर ज्ञान नहीं है बाहरी दृष्टि में। ठाकुर जी को खरीद के रखा है, ठाकुर जी को खरीद के रखा है ना। निताई गौर के साथ बात करते थे, निताई गौर के साथ, निताई गौर के साथ, निताई गौर विग्रह है, बात करते थे हैं। एक दफे कुटिया में आया, भांगा टूटा हुआ कुटिया है, पाता फूस का कुटिया में आके देखे, निताई गौर का जो गहना है, जो गहना पाए में पहल सब कुछ है, कुछ नहीं है। तो नहीं तो बाबा ने आया और निताई गौर का पास आके बोला, नीता को पूछा गोयना कारे दिशो,
ढाकाई भाषाएं, गयना कारे दिशो, गयना किसको दे दिया, ये सब जो तुम्हारा जो सब है तो किसको दिया। तो क्या बोला गौर नीता कौन जाने, वो घूम फिर के एक मुखान पर गया, जाके वो रॉक रॉक है ऊंचा बारी है, जाके उसका नाम देके पकड़ता है ठोक ठोक करके, बड़ा मीठा सौस से उसका नाम लेके, ए सुहाजी सुनो हम गौर नीता का गहना लाए हो, गौर नीता को दे दो, वापस दे दो, वो पहनना चाहिए, मीठा बात, कोई गाली भाली नहीं, वो गहना लाया तो गौर नीता का गहना लाए हो, अगर लाए हो तो दे दो, गौर नीता को दे दो, वो पहनना चाहता है। वो एक असुर घर का बिल्डिंग का अंदर से असुर आया, बाबा को एक धक्का लगाया, बाबा उल्टा का एकदम नीचे गिरा और जिंदा जिंदगी भर कर लिए ये जो जख्म हो गया पैर, तब से बाबा ऐसे ऐसे चलता है। लेकिन गाली भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, किसी को कुछ नहीं बोला। और गौर नीता के पास आया, चलने का हिम्मत नहीं, डॉक्टर के पास तो जाता नहीं, धीरे धीरे कुटिया में आया और गौर नीता को गाली दिया, तुमने चोरी कराया हमको मार खिलाया है, तुमने चोरी कराया और उल्टा हमको मार दिया है, बदमाश का ही का ये तो है, मजा करके बोलता है, कोई शिकायत नहीं है, ऐसे ही बोला, मजे का बात है, बड़ा सुंदर। ऐसा जो परमहंस वैष्णव है जो ठाकुर जी को खरीद के रखा है, ठाकुर जी को बोले बैठ, बैठेगा, उठ, उठेगा। इस बारे में तो बताया था ना सुबह में, अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र एव दीजो, इसका प्रमाण दिया गौर किशोर बाबा, वंशीदास बाबा, जगन्नाथ दास बाबा, भगवान दास बाबा, सारे भगवान को खरीद के रखा है, खरीद के रखा, बैठो बैठो, जाओ जाओ। तो ये ठाकुर जी को भागवत जी महापुराण में पहला स्कंद में जो पहला श्लोक है उसमें तो बताया गया जन्मादसो यतो हनुमयादि त्वरा स्वार्थ सभी गोसराट इत्यादि बता, सभी गोसराट। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ठाकुर जी प्रेम का वशीभूत है, इसमें तो कोई घाटा नहीं है, ठाकुर जी प्रेम के वशीभूत है। बाकी तो पहले भी बताया था, सुरेश दनेश दिनेश महेश हाल धरे पर पार न पाए, पार पाए सुरेश दिनेश गणेश महेश हाल धरे पर पार न पाए। लेकिन जिसको गोकुल में माखन पर सौ सौ बार मचलते देखा, कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर, देखो कवि लिखा है, सुरेश दिनेश गणेश महेश हाल धरे पर पार न पाए, जिसको गोकुल में माखन पर सौ सौ बार मचलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर का, जब प्रेम आ जाए, प्रेम से अगर ठाकुर को खरीद लो तो जो कुछ भी आपको इच्छा है वही करेगा। देखो दसवें स्कंद आए, उधर देखोगे जितना सारे ब्रजवासी है, जितना सारे ग्वालवाल है ठाकुर जी का, जो खेलकूद करते हैं एक साथ, श्रीराम एक साथ खेला चल रहा है, और खेला में ऐसा नियम है जो हार जाए, वो जो हार गया उसको कांध में लेना पड़ेगा, वो तू हार गया हमको कांध। तो भागवत में है सीदामेन पराजितः, श्रीराम के द्वारा वो पराजित हो गया कृष्ण, और सीधा बोले तू हार गया, ले मेरे को कांध में, बोले चल ले ले ले, तू तो हार गया ना, सीधा में ना पराजित है, सीधम के द्वारा हार गया, जब बोले तो हमको कांध में ले ले, बोला हाँ आ जा, कांध में ले लिया, कांध में लेके चल वहां तक चल, एकदम जाना पड़ेगा हमको कांध में लेके, कांध में लेके चल रहा है कृष्ण, ऐसा के वो पैर देखे इधर भाज जा रहा है, पैर देखे अपना पैर देखे कृष्ण का बक्ष में, ऐसा ऐसा हम माथा में बजा रहा है ऐसा, इसका नाम है कृष्ण। अगर कृष्ण का सा संबंध बना सकोगे तो कुछ भी कर सको, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कृष्ण का साथ संबंध जोड़ना
सबसे आसान है और सबसे कठिन है। सबसे आसान है कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना, क्योंकि रस का जो अट्रैक्शन, जो रस है सबका अंदर में। यहां कोई ऐसा नहीं है जो बोले हमारा अंदर में रस नहीं है, हमारा सब रसिक है, सब जरूर रस है ना। सब कोई झूठा नहीं बताए, सबका अंदर में रस है, सब जड़ो रस में डूबा हुआ है, सबका अंदर में रस है। वो जड़ो रस को जस्ट कन्वर्ट कर दो, जस्ट यू कैन कन्वर्ट, यू शुड कन्वर्ट। है जो रस तो है ही है, लेकिन जड़ो रस को सिर्फ बदल दो और प्राकृत रस में हो जाएगा। जैसे हमारा पोता पोती, हमारा लड़का कृष्ण, हमारा लड़का, ये चेंज कर दो। लड़का तो आपका नहीं है, स्वामी आपका नहीं तो मार दे, मारे कैसे, कोई अपना नहीं है। तो ठाकुर संबंध जो है ठाकुर जी का पास साथ जोड़ लो, ये ठाकुर जी मेरा लड़का है। अगर सखो भाव है कृष्ण मेरा दोस्त है, मधुर भाव है तो और ऊपर जाओ, वात्सल्य भाव है तो कृष्ण मेरा लड़का है। सिर्फ जो भावना है रस को चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो, बस हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ब्रजवासी का अनुगत्व के बिना ब्रजरस मिलेगा नहीं। ब्रजवासियों का अनुगत्व जब तक, अनुगत्व जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। इधर जो है हम ऐसे अम्बरीश महाराज का बात सब सुबह में चर्चा किए, उसके बाद आप सौभरी ऋषि का बात चर्चा किए, सब सारे मानधाता का विषय, सौभरी ऋषि कैसे शादी किए, पचासों लड़की मानधाता का, 50 कन्याएं, सारे 50 कन्या को एक साथ शादी कर लिया, ऐसा हो गया। और मानधाता का प्रसंग आप सुबह में कहे, आप जल्दी जाना पड़ेगा। मानधाता का 3 सप्तद्वीप अधिपति, मानधाता का 3 पुत्र है, कुरु, कृत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। मुचुकुंद को बात आप सुनेंगे। अम्बरीश पुत्र जुवनास्व, जुवनास्व को पुत्र हरित, मानधाता का 50 कन्या, सौभरी का शादी का विषय हम बताया। अभी त्रिशंकु जो है बोल के, त्रिशंकु विप्र कन्या को हरण किया, करने से पिता साप दिया, वो चंडालत्व प्राप्त किया, चंडाल हो गया, उसको गिरा दिया। किंतु दुर्वासा मुनि उसको प्रोटेक्शन दिया, दुर्वासा मुनि बोले इसको हम गिरने नहीं देंगे, इसको स्वर्ग में भेजेंगे। तो स्वर्ग में उसको भेजने का कोशिश की, देवता लोग ऊपर से एक धक्का दिया, बोले ना स्वर्ग में आने नहीं देंगे। दुर्वासा मुनि किसी का हिम्मत है, मेरा इच्छा है तो उधर रहे, तो दुर्वासा मुनि उसको एक जगह स्थिर कर दिया, गिरने नहीं दिया। देवता लोग धक्का लगाते, गिर दिए जा, इधर जगह नहीं, वो रख दिया। अभी इसी खानदान पे बहुत सारे खानदान है पूरा एकदम, ये जो सूर्य वंश का पूर्व सारे है, ये हरिश्चंद्र का प्रसंग आता है। ये हरिश्चंद्र जो है, ये वंशावली का पूरा चार्ट है, इस बताते चले तो मूल कथा बंद हो जाए। उसी वंश में हरिश्चंद्रो बोल के एक बड़ा भारी दानी राजा थे, अनपत्त, कोई लड़का लड़की नहीं है, बड़ा दुखी है राजा। राजा बड़ा दुखी इस अवस्था, क्या किए, त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र, त्रिशंकु जो बोला हमसे लिंक नहीं खोना, ठीक है, त्रिशंकु का पुत्र है ये आपका हरिश्चंद्र। और ये जो है हरिश्चंद्र, कोई लड़का लड़के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बड़ा दुखी। इसके बाद वरुण योग किया, वरुण योग किया। अब वरुण महाराज आविर्भाव के बोला, महाराज क्या चाहिए, बोला हमको एक लड़का चाहिए, देखो ऐसा हालत, हम कुछ नहीं है। वरुण बोले ठीक है, और कंडीशन ये था, शर्त ये था कि लड़का होने का, लड़का होना जरूरी है, लड़का होए तो ये लड़का के द्वारा आपका योग करेंगे, बोली लड़का को पशु बना के योग करेंगे, जैसे पशु बोली देता है। वरुण जी महाराज उसको आशीर्वाद किया, इसके द्वारा लड़का हुआ, रोहित जिसका नाम। लेकिन हरिश्चंद्र के पास आए, वरुण महाराज बोला क्या हुआ, आप योग को बोला था, अभी तो छोटा है, अब छोटा है थोड़ा बड़ा होने दो, दांत फांत निकाल आए, दूध अभी तो दांत उठा नहीं, थोड़ा दांत उठे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, उसका बात फिर आया।
पहले अभी तो छोटा छोटा दांत है, दूध का दांत है, अब दूध का दांत गिरे उसके बाद नया दांत उठे तब हम देंगे, हाँ कोई चिंता, तब अच्छा होता है जग। ऐसा करके दिन पे दिन घुमाते घुमाते पागल कर दिया। बोरुन बोले तत्तरी की सांप दे दिया, जा तेरा उदरामय हो जाएगा, ऐसा पेट बढ़ गया, उसका अंदर में पानी है, बोरुन देव है ना, पेट का अंदर पानी हो गया, पेट लेके चल नहीं सकता, अरे बाप रे क्या कष्ट है, ऐसा कष्ट हो गया। और होरित रोहित जो है वहां से भागा, रोहित पिता का ऐसा हालत है, वो कोई जंगल में भागा, जंगल में जब भागा जंगल में जाके प्राण रखा के लिए कम से कम छह साल तक था ऐसा है, जहां तक मेरा याद है रोहित ऐसा छाया 6 वर्ष। उसके बाद वो सोचा था 6 साल तो हो गया, अभी थोड़ा जाए उधर, तो देवता लोग आके बोले नहीं बिल्कुल नहीं जाना, उधर जाने से मुश्किल है अभी है। तो हरिश्चंद्र क्या की, उसके बाद बोले हाँ हम तो जाएंगे, पिताजी का ऐसा हालत है, देखने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है बोली बोली चराएंगे हम जो को करें, बोल के एक सुनो से बोल के किसी को खरीद के लेके गया, जाके पिता को दिया, पिता इसके द्वारा आप यज्ञ करो हम खरीद के लाए। हरिश्चंद्र नौरव में यज्ञों के द्वारा वरुण का यज्ञ की, उसके बाद उसका उदर जो है नॉर्मल हुआ। और विश्वामित्र स्वभाव जो हरिश्चंद्र धैर्य परीक्षा किया, हरिश्चंद्र का धैर्य परीक्षा के लिए जो दान लिया था, आप जानकारी है आपको, ज्यादा नहीं बताएंगे, दान लेने के लिए पूरा सब कुछ ले लिया और उसको बोले तेरा कुछ नहीं है तू अभी जा जहां जाना है। हरिश्चंद्र दान का प्रतिष्ठित किया तो दान दिया, दान ऐसा दान दिया पूरा कुछ नहीं है, जितना राजा का जितना सारे गहना सब जो ऑर्नामेंट था सब खुल के देखिए, बोल जा खाली एक टूटा हुआ कापर है वो पढ़ के पत्नी पति और रोहित सारे जाके काशी वाराणसी में एक जगह हरिश्चंद्र घाट बोल के हैं उधर जो है वहां डोम चाराल का काम किया। एक जगह जाके बोले एक डोम है चाराल है, उसको बोला हमको खरीदोगे, बोला ठीक है तेरे को खरीद लेंगे। उसके बाद क्या है उधर मुर्दा जलाने का काम किया राजा, और रोहित और उसका जो पत्नी एक ब्राह्मण का उधर ब्राह्मण ने खरीद लिया मार्केट से वो लेके गया, लेके बाद उसको सेवा में लगाया, गौ माता का दूध करो गौ माता का सेवा करो घर पोछा लगाओ कुछ भी करो लगाया। और रोहित क्या है फूल फूल तोड़ने के लिए इधर उधर जाते थे, फूल तोड़ने गया तो एक सांप क्या वृक्ष का डाल से इधर काट लिया, काटने का साथ साथ तो गया एकदम। उसके बाद मैया ने रोई पागल का मापी ना तो मेरा स्वामी है माँ तो लड़का कुछ नहीं है, मेरे बेसहारा बन गई हूं। लड़का को गोदी पे उठा के लाए, रोते रोते लाई लड़का को गोदी में उठा के लाई, रोते 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 वाराणसी शमशान में गए और मुर्दा को जलाने के लिए, बोले मुर्दा जलाने का पैसा दे दो, और मुर्दा जलाने का पैसा हम कहाँ से दे ऐसा है। तो बाद में बिजली चौंका थोड़ा आकाश आसमान में और देखी ये तो मेरा लड़का हरिश्चंद्र तो डोम का रूप में, ये तो मेरा लड़का, रोते रोते पागल हो गया एकदम आलिंगन करके सब कुछ हुआ। उसके बाद विश्वामित्र जो उन्होंने परीक्षा लिया सब आ गया, राजन तुम्हारा परीक्षा से हम बड़ा संतुष्ट है चलो तुम्हारा राज्य ले लो सब ले लो, बोल के हरिश्चंद्र को वापस दिया गया था। ऐसा बड़ा भारी जो परीक्षा है किसी का जिंदगी में हुआ ही नहीं, इतना सुंदर परीक्षा, पूरा परीक्षा ले लिया, बोला आपका जो है जाओ। ऐसा करके रोहित जो है रोहित गया और रोहित का बाद ध्वज देके वापस दे दिया। उसके बाद जो है हरिश्चंद्र का वंशधर जो है हरिश्चंद्र रोहित चंपो सुदेव विजय भरु ऐसा करके पूरा आते आते लवकुश तक, लवकुश जो है राम जी का श्री राम जी भगवान का जो लड़का है लवकुश तक दिया गया था। बाद में और भी चार्ट है इस तक यहाँ है। अभी जो है इस वंश में खट्टांगो राजा, खट्टांगो से दीर्घ बाय दीर्घ बाय रघु, रघु के बाद अजो, अजो के बाद दशरथ, दशरथ के बाद रामचंद्र,
उसका बाद लपकुश, सारे सूरज वंश जो है, सूर्य वंशों का वर्णन है। आज बाद में आएगा चंद वंश का वर्णन, दोनों प्रसंग आएगा, ध्यान से सुनना। और वैदिकगण जैसा शत्रु सब आक्रमण करके राज्य छीन लिया, तो बाहुक राम को जो राजा है वो भारजा के साथ जंगल में चला गया, वहां उसका मौत हो गया। उसका पत्नी पति देवता का साथ मरने के लिए इच्छा प्रकाश के आग में छलांग लगाए, लेकिन वो उधर जो ऋषि है और वो ऋषि बोले ना आप मत मरो, क्योंकि आपका गर्भ में संतान है, ये मरना ठीक नहीं है, रोक लिया। इसके बाद वो जो संतान प्रसव किया, वो इसका जो विपत्नी सब है, ये खाने का साथ अन्न का साथ बीज दे दिया था जहर, और ठाकुर जी का ऐसा कृपा है जहर कुछ नहीं असर फेंका, कुछ असर नहीं हुआ, लेकिन ये बीस का साथ, ये बीस कैसा जाने ठाकुर जी का कृपा है, बीस जो है वो गर्भ में संचित था, ठाकुर जी प्रोटेक्शन किया, और जब बच्चा का पैदा हुआ, बच्चा जब पैदा हुआ तो बीस का साथ पैदा हुआ, बीस भी निकला है बच्चा भी निकला है, तो इसका नाम, उसका नाम है सौगढ़, सौगढ़ गौर माने बीस, बीस का साथ जन्म हुआ इसका, इसका लिए उसका नाम है सौगर राजा। और वो ऋषि का उपदेश लेकर, ये सगर राज महाराज उर्व ऋषि का उपदेश लेकर अश्वमेध युगों का जाजन किए थे, और इंद्रो ने ये अश्वमेध युगों का अपहरण किया, और इसका दो पत्नी सुमति या केशिनी और अश्वयुग्र का अपहरण करके इंद्र महाराज ने क्या किया, कोपिल आश्रम में जाके घोड़े को लगा के वहां बग गया। बोले देखो क्या बुद्धि खराब है, देखो उधर कोपिल महाराज गंगा सागर में उधर जो भजन कर रहे हैं, वहां जाके घोड़े को उधर लगा के भाग गया, कैसा बुद्धि है। और सारे ढूंढते ढूंढते कहां जाए, और ढूंढते ढूंढते अंतिम में जो है, जो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, कपिल आश्रम में से अश्व देखा, भगवान कपिल समाधिस्थ थे, और एता 60,000 जो संतान है सगर राज पूरा एकदम हल्ला गुल्ला शुरू कर दिए, ये चोर है बेटा, ये चोरी करके इधर लाया, आप तपस्वी बन के बैठा हुआ है, ऐसा शुरू किया। तो दुर्वासा, ये जो तुम्हारा, ये हमारा कोपिल जी महाराज शांत से आंखें खोला, ऐसा करके आंखें खोला, आंखें जो खोला देगा हल्ला चिल्ला हो रहा है, वो बदमाशी कर रहा है, मुनि जो निर्भय है मुनि का साथ बदमाशी कर रहा है, तो अपने आप मुनि जी का जो दृष्टि है इसके द्वारा, जो अग्नि है उसके द्वारा भस्म हो गया, सारे छाई हो गया। अब जब इतना 60,000 सब सगर वंश सब विनाश हो गया तो बड़ा चिंतित हो गया, पर कहां गया सब। बाद में क्या हुआ, केशिनी का जो तनय है असमंजस का पुत्र अंशुमान है, असमंजस जोगी थे, खेलते खेलते बहुत बच्चा को मार डाला, क्या कारण कोई जाने, खेला है मजा है। उसके बाद उसका पिताजी उसको धक्का लगा के बाहर निकाल दिया, जा हमारा राज्य के बाहर। बाद में वो असमंजस जो है, असमंजस क्या की, बोले महाराज आजीब का है, सारे जितना लड़का को मारा था सबको जीवित कर दिए, भाग गया। पिता ने सब खबर है यार, ये लड़का को हम भगा दिया धक्का लगा के, तो हिंसक है, वो हिंसक नहीं है, ये तो मजा किया था। देखो क्या कितना बुद्धि खराब है, देखो 60,000 जो ये सब जो है, ये सब का ढूंढने में चला गया, कौन भले बालकों को मार डालता था, और पिताजी फेंक दिया पुत्र को, किंतु असमंजस जो अंतर में वो बड़ा ज्ञानी था, पुनर्जीवित करके पुत्र लोगों से गला, जब मैं बाद राजा का पास गया, मैंने तो गलती किया, ये तो मारा नहीं, बहुत क्षमता वाले हैं, इसको रखना चाहिए था, हम फेंक दिया। तो वो अपने को लोगों का सामने असमंजस माने कोई सीमित, उसका जिंदगी में उसका चरित्र में कोई उसका सामंजस्य नहीं है, इसलिए असमंजस्य नाम हुआ, इच्छा करके दिखाया,
जैसे सुखदेव गोस्वामी गुड़ो मूड़ो इवो यथे, जैसे मूरख है, बोका है, काला है, बहरा है, गुंगा है, ऐसा प्रमाण करता कौन भाई? सुखदेव गोस्वामी थे, फिर आपका वो जो आया जड़ भरत जी, ये भजन का एक टेक्टिस है। साधु लोग भी कहते हैं, साधु लोग भी ऐसा करते हैं, जब देखे हमारा साथ ऐसा मुश्किल कर रहा है भजन, इच्छा करके बोवा बन जाता, गुंगा बन जाता, कोई बात नहीं कर सकता, अंतर में भजन करे, चालाकी करता है, ये नियम है। गुरुवर्गों में भी बहुत सारे किए हैं ऐसा। तो सुनीति का सब संतान नष्ट हो गया, और सगर अंशुमान को यज्ञ पशु अन्वेषण करने के लिए बोला, अंशुमान असम है, अंशुमान अभी बोला, ये जो अंशुमान है, अंशुमान को बोला तुम जाओ बेटा ढूंढ के लाओ कहाँ है, असमंजस है जो भी है। और सगर अंशुमान को यज्ञ पशु अन्वेषण करने के लिए भेजा, और ढूंढते ढूंढते पागल हो गया, अंतिम में जाके देखा ये यज्ञ पशु, देखा एक जगह ढेर सारे राख है, राख माने छाई, उसका पास देखा, देखे के बाद जो है बड़ा कपिल जी को प्रसन्न किया, ठाकुर बोलो कैसे ये सब हुआ, ये हमारा यज्ञ पशु है। तो मुनिवर बोले ऐसा है कि देखो ये लोग आया था, मेरे को दुश्मन समझा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा तो जल गया, क्योंकि अपना अंदर में पाप जो है इसका दर्शन का ये दर्शन है, अंदर में जो पाप है पाप अग्नि से जल गया, जैसे जैसे लक्ष्मी प्रिया जी को सांप ने डसा, ए देखो सांप डसा, ए नहीं विरह सर्प ने डसा, तब सॉरी छोड़ दी, ये दर्शन है विरह सर्प, गौर गए, गौर को विरह सहन नहीं हुआ, ये सर्प रूप पकड़ कर आए, और ऐसा है सर्प सर्प डासेगा कैसे, ठाकुर जी का स्वयं शक्ति है, ठाकुर जी का शक्ति है, ठाकुर जी का शक्ति को रावण सीता जी को उठाने के लिए आए, रावण सीता जी को स्पर्श कर सका, दर्शन भी नहीं किए, इस प्रसंग आएगा राम जी का चरित्र आए, दर्शन भी नहीं किए, बोले सीता जी को ले गए, सब बेपार सब देखोगे, महाप्रभु दक्षिण भारत जाके कुर्म पुराण से प्रमाण लाए, और राम भजी जो वैष्णव है उसको ये उसको प्रमाण दिलाया, देखो ऐसा लिखा है, तुम क्यों रो रहे हो, हैं रावण का क्षमता नहीं है कि सीता जी को दर्शन करे, स्पर्श तो दूर की बात है, दर्शन भी नहीं कर पाए, तुम क्यों रो रहे हो, खाना पीना बंद कर दिया, इस प्रसंग हम आएंगे हम बताएंगे इस। तो उसका बाद मुनिवर बोले देखो तुम्हारा ये पूर्वजों जो इतना है 60,000 जितना तुम्हारा सब वंशधर है सारे जल के मर गया, अब इसका उद्धार का बात आप बताओ, बोले उद्धार किसी भी हालत से होना संभव नहीं, एकमात्र जो है क्या है, गंगा जी अगर उतारे आए गंगा जी अगर आए गंगा जी आए तो गंगा जी गंगा पानी से ही हो सकता, ठाकुर जी का चरण कमल से जो गंगा कमल का उत्पत्ति है वो गंगा जी का पानी अगर लगे तो 60,000 तुम्हारा जो पूर्वजों हैं सारे उद्धार हो जाएगा। अरे महाराज चाहे कैसे हो, तो जाके वो भजन शुरू किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, वो खानदान उग गया, वो भजन करते करते वो सॉरी छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, उसका बाद अंशुमान का हस्त में सागर महाराज राज्य राजधानी को देकर अपने सदगति को प्राप्त हुए। उसके बाद भगीरथ जो है उसका लड़का, वो भगीरथ गंगा मैया का आराधन की, गंगा मैया ने संतुष्ट होकर बोले बेटा मैं तो आ जाऊं, तेरा प्रार्थना सुनकर मेरा हृदय विगलित हो गया। तो लेकिन कैसे आए, हम जब ऊपर से गिरे तो पृथ्वी भेद करके तो नीचे में चले जाए, मेरा बेग को कौन धारण करे। तो मैया आप चिंता मत करो, शंकर जी को हम बुलाएंगे। तो शंकर जी का आराधना शुरू किया, शंकर जी का पास शिव जी महाराज शंकर भगवान आविर्भाव के बोले कहो बेटा क्या काम है, बोल क्या मांगते हो, बोले शिव जी महाराज हमारा कुछ मांगे नहीं है, कृपा करके गंगा मैया को धरती पर लाना है लानी है, आप एक काम करो, गंगा जी का जो स्रोत है जो
जो बेग है इसको धारण करने वाला कोई नहीं है। ओइरावत कोशिश किया, ओइरावत के ऊपर जिस धक्का एक लगा गंगा जी का ऐसा करके पूरा चला गया। ओइरावत ओइरावत हस्सी सबसे पावरफुल जो ओ सागर मंथन से उठा ओइरावत है उच्च शोभा घोड़ा कुछ नहीं हुआ। बाद में शंकर भगवान बोले ठीक है, जटा को ठीक ठाक लगा दिया और गंगा जी को आने बोलो। गंगा जी आई और जटा का ऊपर गंगा जी घूमते रही शंकर भगवान का जटा का अंदर। तो प्रहलाद ये जो है भागवत भगीरथ महाराज बोले महाराज जटा का अंदर आप घुमाने के लिए तो बोला नहीं, अब जटा से छोड़ दो। जटा का अंदर गंगा मैया घूमती रही, जटा का अंदर रहने से तो मेरा कोई सुविधा नहीं होगा, जटा से छोड़ दो। जटा से थोड़ा अलग कर दिया ऐसा करके, तो गंगा को जो छोड़ दी गंगा क्या स्वर्ग मत्व पताल त्रिभुवन को पवित्र करते हुई त्रिभुवन पवित्र की गंगा मैया ने। उसके बाद गंगा धीरे धीरे जाके ये जो तुम्हारा जो है वो जो सागर है गंगा सागर में वहां जाके जितना सारे कपिल आश्रम है वहां जो जितना सारे भस्म राशि है सबको पितृ पुरुषों को उद्धार करके भेज दिया। चलो उसका भेज दिया गंगा स्पर्श से स्वर्ग में गमन किया। और इसका ही जो है वंश में आगे चलकर बहुत सारे कारण हैं। और इसका बाद जो है सौदास जो है इसका ही वंशधर जो है इसका भगीरथ भगीरथ गंगा को लाए उसका वंशधर में सौदास जो है सौदास मृगया करने के लिए जंगल में गए और एक राक्षस वध किया। सौदास मृगया पे गए मृगया जंगल में और एक राक्षस को मार दिया। और राक्षस का जो भैया है बोले तेरों को हम देख लेंगे बोल के ऐसा विचार करके क्या की। और राक्षस का जो भैया है वो चुपके से आए कुछ नहीं बोले, भले इसका था तो आमने सामने लड़ाई करने जाए तो हमको मार डालेगा, बहुत पावरफुल है। ऐसा जो है वो तो मार डालेगा, तो हम ऐसा करें कि कुछ नहीं बोले उसको पीछे से मारेंगे। ऐसा बुद्धि लगा के ब्रिटिश पॉलिसी लगाया, जैट इज बीसी ब्रिटिश लोग जैसा पहले किया करता था, कोई अभाव नहीं चाल गेहूं का सारे समुन्द्र में गिरा दिया, बोले अभाव है चाल गांव कोई जगह मिलता नहीं चलो इच्छा करके। ब्रिटिश लोगों का बुद्धि है बहुत है। ऐसा करके जो है वो धीरे धीरे गया और सौदास का जो रसोई करने वाला का एक जो रसोई घर में एक आदमी का जरूरत था बोला हम रसोई का काम करेंगे हमको रख लो थोड़ा सा तनखा, बस उसको रख लिया। और ऐसे सेवा करते करते वो क्या किया एक दफे मांसो जो है रोसी करने के लिए बोला, वो क्या नर मांसो क्या किया रंधन करके दे दिया। वैशिष्ट मुनि ने दिव्योच्चो आंखों से देखा है क्या है ये तो नर मांसो है बोल के सांप दे दिया, एकदम एक सांप दे दिया। तो राजा बोले सौदास बोले हमको तो मालूम नहीं है आप कैसे सांप दिया मेरे को, वो भी हाथ में पाली लिया बोले आपको भी हम सांप देंगे। सांप दे देते तब में किसी ने माना किया सांप मत दो गुरु जी को, ये पानी जो है अपना पैर पे गिरा। इसके बाद कोलमस पात उसका नाम हो गया जो भी है अनंत। और वो जो है ब्रह्म ये इसके बाद जो है वशिष्ठ मुनि ये जो सौदास को सांप दे दिया तू राक्षस बन जा, बोले महाराज हमारा कोई दोष नहीं है हमको राक्षस बना दिया तो नरवंश दिया, बोला हमने नहीं दिया हमको जानकारी है नहीं जो भी है साथ तो दे दिया अब क्या करें। और नरवंश खाने का व्यवस्था अब राजा है इतना सुंदर लेकिन राक्षस बन गया कोई आदमी को देखे पान के खा ले। वो जंगल में गया, जंगल में जाने का बाद देखे ब्राह्मण ब्राह्मणी प्रेम कर रहे हैं उसको उसी समय मारना ही चाहिए था। ओ क्या क्या उसका जो स्वामी है ब्राह्मणी का स्वामी उसको खींच दिया मार के खा लिया। ब्राह्मणी साफ दे दिया बात तोरा भी इस समय जो है इस समय प्रेम करने जाए तोरा भी मौत हो जाएगा जा साफ दे दिया। इसके बाद उसका तो मुश्किल हो गया आप क्या करें।
किसी भी हालत वशिष्ठ मुनि का कृपा से उसका पत्नी दमयंती का संतान हुआ और उसको वशिष्ठ जो है बहुत सारे बात है, उसका नाम है अस्मक नाम हुआ। इसी वंश में जो जो है खट्टांग राजा दुर्जय राजा था, खट्टांग राजा जो है स्वर्ग का जो देवता लोग है, देवता लोगों को बड़ा भारी सहायता किया युद्ध में, इतना पावरफुल राजा, इतना युद्ध के युद्ध में सहायता, खट्टांग राजा पावरफुल, देवता लोग ने बड़ा भारी प्रसन्न भाई, बोले हमसे आशीर्वाद ले लो, आपका तो पावर बहुत है, आप तो असुर लोगों को भगा दिया, लेकिन हम आशीर्वाद दे सकते क्योंकि ठाकुर जी का ऐसा ही व्यवस्था है, देवता लोगों को आशीर्वाद देने का अधिकार है, तो बोले कुछ मांग लो पर। बोले महाराज महाराज हम बर तो बाद में मांगेंगे, पहले बोलो हमारा आयु का शेष कितना है। तो देवता लोग चिंता करके विचार करके बोले महाराज आयु तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल तो खत्म होने वाला, दो पल ये क्या 24 48 मिनट है। तो बोले बर लेके क्या करे, ऐसा आशीर्वाद को ठाकुर जी मिले, बस हो गया छोड़ो। इसके बाद ये खट्टांग राजा जो है छोटा सा आयु मेरा जिंदगी में है ये जानने का बात क्या की, ये भजन की, भजन करते करते उसी समय के अंदर क्या की ठाकुर जी को प्राप्त होके चले गए खट्टांग राजा है। खट्टांग राजा जो है ऐसा सहायता किया जो देवता लोग संतुष्ट होकर वरदान की, तो उसके द्वारा वो क्या की बोले हमारा आयु का शेष क्या है ऐसा जान के भजन में नियोजित हो गया। इसलिए शास्त्र में प्रमाण आता है ये इतना हजार हजार साल आयु लेके क्या करोगे, क्या काम का, अगर छोटा सा आयु है उसमें अगर ठाकुर जी का भजन बन गया तो ये तो काफी है, छोटा सा आयु लेकिन भजन बना तो काफी है, ज्यादा आयु लेके क्या करें हैं, ये तो फॉरेन है ना, इसमें रहना नहीं है, हम लोगों को जाना है। तो ऐसा के बाद खट्टांग राजा जो है, खट्टांग राजा वर नहीं लिया, इसमें वो ऐसा भजन की उसी समय के अंदर ठाकुर जी को, ठाकुर जी का चरण में मन लगाया, ध्यान किया और ठाकुर जी का हो चले गए। इसी वंश में हमने चार्ट बताया था आपको पहले, इसमें जो है खट्टांग राजा, खट्टांग राजा का वंशोधर में उसका लड़का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का पर बाद रघु है, रघु के बाद अजो है, अजो के बाद दशरथ जी महाराज है, उसके बाद श्री रामचंद्र, इसी वंश में आता है पूरा वर्णन आता है। इसी वंश में इस राम श्री राम जी का बारे में आता है। ओम नमो भगवते परमहंस रसासादित चरण कमल चिन्म करंदायो भक्त जनमानस निवसायो श्री राम चंद्राय नमो नमः। ओम नमो भगवते परमहंस रसासादित चरण कमल चिन्म करंदायो भक्त जनमानस निवासायो श्री राम चंद्राय नमो नमः। जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आपोदम आपदम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदम रामाभिरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदम रामाभिरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये राम जी का कहानी आता है सुंदर, ये आदर्श बन के रह गए, जब तक धरती रहे चरण चंद्र सूर्य रहे
राम जी का आदर्श जो है, जो कृपा है, सब जितना सारे जगतवासी चिंतन करते रहे, लेते रहे, ऐसा ही ठाकुर जी का राम अवतार जो है, ऐसा तो अवतार है ठाकुर जी का राम अवतार जो है, बड़ा आश्चर्य अवतार है ये, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। और भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है ये लीला पुरुषोत्तम, दोनों में ये विशेष है, एक है मर्यादा पुरुषोत्तम, एक है लीला पुरुषोत्तम अवतार, ऐसा है। भले दशरथ जी महाराज का इतना पुण्य हुआ, इतना उसका सुकृति, इसके बाद स्वयं ठाकुर जी चार रूप पकड़ कर आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जैसे पंचतत्मात्तकम भक्त रूप स्वरूप बोल रहे हैं ना गौरांग महाप्रभु, यही है। ऐसा ही सोचना कि जैसे पांच रूप पकड़ कर चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तबिंद, ये जब पांच रूप पकड़ कर आए, ये वस्तुतः एक ही वस्तु है, एक ही, ये अलग नहीं है। अद्वैत गोसाई नित्यानंद प्रभु, गौरंग महाप्रभु और शिवास प्रभु और गदाधर, सारे हम एक समय समय हो तो तत्व व्याख्या करें, ईश्वर तत्व अद्वैत गोसाई, ईश्वर प्रकाश नित्यानंद प्रभु, ईश्वर भक्तो जो है, ईश्वर शक्ति जो है गदाधर, ये सब सुंदर व्याख्या है, कभी सुनोगे तो पागल हो आनंद से। ये सब विचार करना है बाबा, ये मठ इसलिए है, हर वक्त आनंद से गाओ, कीर्तन करो और ये सब चर्चा करो, हमारा खानदान खराब ना हो जाए, यही चिंता मेरा है। मेरा एक चिंता है, ये भागवत लेके बैठा हुआ, मेरा जिंदगी में एक चिंता है, हमारा गौरी संप्रदाय के जो खानदान है इसको ये खराब ना हो जाए, एक एक लड़का धीरे धीरे भजन करते करते उठे, ऐसा बन जाए कि बोले हाँ देखो गौरी समाज में ऐसा साधु है, ये मेरा अंतर का सपना है। अब बता दिया आपको, ये मेरा एक चीज है, ना तो कोई मठ बनाने का चक्कर है, विदेश जाने का, ना कि शिष्य बनाने, कुछ नहीं है मेरा जिंदगी, एक चिंता है कि कैसे हमारा संप्रदाय में काबिल बड़ा बड़ा साधु आ जाए, हो जाए, तो हमारा संप्रदाय का जो विशेष सम्मान है, इज्जत है, उसको स्थापन करें। बहुत सारे लड़का मेरा पास आता है लेकिन नाम रखने का कोई जगह भी नहीं रखा, कुछ व्यवस्था नहीं किया, मेरा भजन का पद्धति ऐसे है, क्या करे, ठाकुर जी जो सोचे वही होगा। तो ये जो है राम लक्ष्मण भरत और चतुर्ग्रह, चार विभाग हो गए, ठाकुर जी स्वयं आए, दशरथ पुत्र तो स्वीकार किए, दशरथ जी महाराज का पत्नी आप सुने हैं, तो बोलने का थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके हम जाएंगे, जो विशेष है उसका व्याख्या कर, तत्व तो व्याख्या करें, वो हम रामायण पाठ करने के लिए नहीं बैठेंगे, क्षमा करना, हमको तो तत्व तो बोलना है बस। इसमें तीन पत्नी सुने हैं, कौन कौन तीन पत्नी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। अब ऐसा है, कौशल्या नंदन तो श्री राम जी है, कौशल्या नंदन, और कैकेयी जो है, कैकेयी मैया राम जी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैंने रामायण देखो तो कैकेयी का गोदी छोड़ के राम जाता ही नहीं, आज जगतवासी का मस्तक पे जैसे आसमान गिरा, बोले कैसे हो सकता है, यही कैकेयी ऐसा बोड़ मांगा, कैसे मांगी कैसे। बोले दशरथ जी महाराज बोले ये बोर, बोले दशरथ जी महाराज आशीर्वाद किया आपको बोर देंगे, तीन बोर ना जो भी है, अभी राम जी का अभिषेक का दिन है, मंथरा का एक प्रसंग है, वो सब गुप्त प्रसंग है, अभी रामायण चर्चा में हम नहीं जाएंगे, मंथरा ने सिखा दिया ऐसा है, लेकिन गुप्त सिद्धांत तो जो हमारा अयोध्या का जो रामायणी बाबा, ये सब हमको बहुत प्यार करते हैं, सिद्ध महात्मा तो देखोगे तो चौंक जाओगे, बहुत प्यार करते थे। रामायणी बाबा का साथ मेरा चर्चा हुआ, रामायणी बाबा बोले ये सब बहुत सारे गुप्त सिद्धांत तो है, बोले ये तो कैकेयी मैया, कैकेयी जो है कैकेयी मैया को पकड़ के उपलक्ष्य करके राम जी ने ऐसा लीला के इच्छा करके, ये गुप्त सिद्धांत तो है। आसली बात कैकेयी मैया राम जी को ऊपर घृणा नहीं की, राम जी ने एक दिन अकेला घर में अकेले जाकर मैया का चरण में गिर, मैया एक पाठ सुना है, विनती है तुम्हारा चरण में, बोले तू जो मांगे वही हम देंगे, बोले ऐसा मांगे हैं कि तुम सोच ही नहीं सकता, सोच नहीं सकती तुम, बोले तू मांग के तो देख, बोले ऐसा है तुम पिताजी का पास जो वर मांगना है
इसमें बोलोगे राम 14 साल के लिए वनवास जाएं, ऐसा मांग लेना। सुनते ही पागल हो गया, रोना शुरू, बोले क्या कहे। बोला हाँ मैया, मेरे लिए तुमको ये प्रार्थना करना है कि मेरा बहुत सेवा है, नहीं तो पिताजी जाने नहीं देंगे, और दुनियावासी याद करके रखो तुम बोले जो कुछ मांगे वो देंगे, तो दुनियावासी जो है तुमको घृणा करेंगे, सारे दुनियावासी तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, गाली देंगे तुम्हारा नाम पे, सहन होगा मेरे लिए। बोला सब सहन होगा, सब सहन होगा। इसके बाद ये गुप्त रहस्य है, जो भी है ये सब सुने। उसके बाद क्या हुआ, राम जी महाराज तो ये अभिषेक करा दिया, भारत जी ने सुना तो मैया को गाली दी, ये मैया है कि क्या है, हमारा माँ है, कौन है ये। फिर भी सहन करना पड़ा क्योंकि वचनबद्ध है। इसके बाद जो है राम जी महाराज पूरो सीता देवी को लेकर पूरा जंगल में चले। सीता देवी का प्रसंग भी है। पहले तो जब बालक अवस्था उस समय विश्वामित्र जी ने दशरथ के पास दो लड़का को मांग के ले गया, वो दो लड़का दो हमारा काम है। बोले बच्चा लड़का कहाँ ले जाओगे, बोला दे दो बच्चा देना है, दे हमारा काम है, बोल के ले गया। राम और लक्ष्मण के द्वारा जंगल में जितना तारका सूर आदि सब है सबको नाश किया। विश्वामित्र का यज्ञों को बहुत नुकसान पहुंचे, ये सब समाधान किए। इसके बाद बहुत दिन आश्रम में विश्वामित्र के पास रहे, अस्त्र शिक्षा किए, सारे विश्वामित्र जी ने सिखाया, भगवान को सिखाया, ऐसा ही नियम है। देखो भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के पास गए, इलाहाबाद का उधर जो है वो जगह क्या, वो जगह गए हैं, वो जगह जाके सीखा। ठाकुर जी का ऐसा ही नियम है। जब ऐसा बहुत दिन रहा, एक दिन आप जो है उधर दशरथ जी महाराज किसी काम के लिए गए हुए हैं, और चारों ओर फैल गया खबर कि राजा दशरथ आए हुए हैं। पहले का बात बता रहा हूं, अभी जंगल का जाने का बहुत पहले का, जब बालक अवस्था। इस समय आपका ये जो विश्वामित्र मुनि राम जी का जो सौशील्य है इसका वर्णन करने के लिए ये बताया हमने। राम जी का सौशील्य कैसा है, तो गुरु जी विश्वामित्र कह रहे हैं कि रामभद्रो, बोले क्या गुरु जी, बोले गुरु जी बोले दशरथ जी महाराज आए हुए हैं, हाँ आपको देखने की इच्छा हो रहा है गुरु जी, जो आपका इच्छा है। ये बोले नहीं पिताजी आए पिताजी को देखने के लिए हम जाए, ऐसा नहीं, जो आपका इच्छा गुरु जी, ऐसा करे विनम्र भाव। फिर उसके बाद ये तो हुआ, ऐसा विनम्र भाव, कभी उत्तर नहीं देते। जब बोले तुम्हारा पिताजी का दर्शन के लिए इच्छा हो रहा है गुरुजी, जो आपका इच्छा, अपना इच्छा कुछ नहीं, अनुगत तो दिखाया श्री राम जी। उसके बाद क्या हुआ, ये जो तुम्हारा मैथिल देश के राजा जो है उसका जो कन्या है सीता देवी, स्वयंवर सभा भाई, स्वयंवर सभा में राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र मुनि गए। वहां बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं सभा का अंदर, बहुत सारे हरधनु भंगों का जो विषय है, सारे एक एक बात व्यक्ति जो है हरधनु को उठाने गए और गिर गए, इतना भारी इतना पावरफुल है ऐसा है। और हरधनु को लेके उसका जो बाण है उसको खींचे कैसे, वो तो उठा नहीं सका, इतना पावरफुल। अंतिम में क्या हुआ, राम जी ने क्या की, अब विश्वामित्र ने बोला अब तुम्हारा बारी आया है। गुरु जी का चरण का ओर देखा, गुरु जी बोला अब जाओ आप जाओ। इसका पहले भी बहुत बात है, पिया जी अर्थात श्री सीता देवी जिस जगह ये विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण दोनों जाके जिस उद्यान पे, एक उद्यान पे रुके थे रात को, और सुबह के टाइम पे जब राम जी घूमने के लिए निकाले, अभी तो सवा देर है, दोपहर को सवा है, जब घूमने के लिए निकाले तो देखे एक जो सीता देवी जो है
सीता देवी फूल तोड़ने के लिए आई जंगल में, देखते ही दोनों का दोनों चौका आंखें चार दो दो चार हो गया, क्योंकि नित्य शक्ति है ना, नित्य शक्ति है। जैसे विष्णु जैसे आपका लक्ष्मी प्रिया का साथ जड़ जगत का जितना सारे रिसर्च फेलो है गाधा है, वो गाधा लोग लिखता है चैतन्य महाप्रभु ने लव मैरिज किया। अरे हमारे सामने होता तो हम उसको चप्पल से पीटते, पर चैतन्य महाप्रभु का जीवनी रिसर्च किया और लव मैरिज किया है, ऐसा बुद्धि है, नित्य शक्ति है। विष्णुप्रिया लक्ष्मीप्रिया कोई ऐसा नहीं, ये तो नित्य शक्ति है, ये अपना शक्ति है। तो सीता देवी के साथ जंगल में जाए, अचानक राम जी का साथ दर्शन हो गया, होते का साथ से सीता देवी दर्शन किया, माथा को नीचू कर दी, बस राम का हो गया, भले यही तो मेरा पत्नी है तो इसको ही प्राप्ति करना है। अब दोपहर को वो सभा है, सभा का अंदर में से सारे हजारों राजा महाराजा आया है, सारे एकदम बेकार, किसी का हिम्मत नहीं हुआ उसको उठाए। और राम जी महाराज अंतिम में गए, जाके क्या ऐसा बच्चा जैसा ऐसा उठाए, ऐसा खींचे और बीच में से टुकड़ा हो गया एकदम, बा एकदम हाहाकार मच गया सब। अरे ये देखो काल का बच्चा है, ये ले लिया बच्चा, मतलब उम्र तो ज्यादा नहीं है, जैसे राम और कृष्ण को जब कंस का सभा में, ये तो बच्चा है, बच्चा तो नहीं किशोर वयस है, किशोर वयस। इसी अवस्था जय करने के बाद अभी सीता जी आई, सीता जी सभा में वरमाला लेके आई, कैसे पहना है वरमाला लेके आई, और राम जी क्या है खड़ा हुआ है लंबा, और सीता जी घूमते घूमते आके राम जी के सामने आके माला लेके नीचा होके खड़ा हुआ, क्योंकि हाथ नहीं जा रहा है, राम तो लंबा है कैसे दे दे, और कुछ बोल नहीं पाती शर्म के मारे, माला लेके नीचा है। और गुरु जी जो है विश्वामित्र सोचेंगे तो बड़ा मुसीबत है, क्षत्रिय है, सर तो नहीं झिकाए, क्या किया जाए। लक्ष्मण को इशारा की, लक्ष्मण देख इस समस्या का समाधान कर, लक्ष्मण को बोले तेरा भैया जो है सर नहीं झुका रहा है तो कैसे माला पहनाएंगी। तो इसका बाद लक्ष्मण को इशारा की, लक्ष्मण ने गुरु जी आप चुपचाप रहो सब हो जाएगा समाधान, जाके क्या की अपना भैया के चरण में, चरण को जाके ऐसा गिरा, ऐसा गिर के चरण को सोच, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, वो आलिंगन के माथा नीचे किया, सीता जी दे दिया। भैया क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो तुम, नीचा हुआ भैया को उठाने के लिए, आप सीता देवी गले में डाल दिया माला, जय जयकार हो गया सीता देवी को, सीता देवी को जय करके फिर इतना सुंदर कहानी है। उसके बाद फिर आए, फिर उसका बाद ये जो है ये प्रसंग जो है भी जंगल में जाने का प्रसंग जो है बड़ा पैथेटिक है। जंगल में साक्षात परात्पर अखिलेश्वर साक्षात भगवान राम जी कैसे जंगल जाए, इतना कमल चरण है, इतना कमल चरण है, जो गोपियों ने देखो गीता में बताया कि हम कैसे तुम्हारा चरण को पकड़े वक्षस्थल में, हमको तो लगता है कि ये तुम्हारा चरण कमल जो है माखन नहीं है, माखन तो माखन क्या है, माखन उसका सामने कुछ नहीं है, ऐसा नरम है इस चरण देखे आप जंगल में घूमते हो, ये बड़ा दुखी है हम लोग कैसे घूमते हो जंगल में। और टीकाकारों ने सुंदर व्याख्या किया इस विषय में, हम चर्चा करेंगे दसवां स्कंद आए तो। इसके बाद जंगल में गए, जंगल में जाने का बाद श्री राम जी जिस कारण अवतीर्ण हुए, जिस कारण ठाकुर जी आते हैं, ये सब कारण तो निभाना पड़ेगा ना, जिस कारण ठाकुर कृष्ण किस लिए आए, राम किस लिए आए, बड़ा हो किस लिए आए, नृसिंह भगवान किस, जिस कारण आए उसको निभाना पड़े, इसलिए जंगल को गए। जंगल जाने का बाद कई जगह गए, एक जगह नहीं बहुत सारे जगह है, इसका एक एक जगह का एक एक नाम है। दंडकारण्य में भी गया, दंडकारण्य में कुटिया का अंदर सीता देवी के रख के दोनों भाई फल फूल आहरण करके पूजा पाठ खाना, वो भी पूजा करते, ठाकुर जी स्वयं है उस भी पूजा करते, किसको पूजा करे कौन जाने, आप ही पूजा पाठ करे, फल मूल लाए लक्ष्मण। और ऐसा एक दफे क्या हुआ, बड़ा भारी मुसीबत, बड़े एक दफे सुपर्णाखा जो है, सुपर्णाखा आई, आके बार बार शादी करना चाह, बार बार
लक्ष्मण जी विरक्त हो गया, उसको मार दिया एक तीर, उसका नाक क्या हुआ काट के पूरा निकल गया। वो रोते रोते रख तो एकदम रावण के पास गया, देखो भैया हमारा नाक काट दिया। अरे नाक तो काट दिया, कहां नाक काटा था, कौन सी जगह नाक काटा था जानते हो? सुपर्णखा का नाक जहां काटा था उसका नाम क्या है, उस जगह का नाम नासिक। वो जो नासिक हुआ ये नासिक, पुणे नासिक जो है वो नासिक है, उसी जंगल में वहां काटा था, उसका नाम हो गया था नासिक। जाओ नासिक, अब काटा हुआ नाक पहला बिग, बिना काटे अगर छोड़ देते तो तू नहीं तो दूसरा कोई शादी कर लेते। अब नाक काट दिया तो कौन शादी करे, कोई शादी नहीं करेगा, नाक काटा हुआ को कौन शादी करे, बड़ा मुश्किल हो गया। नाक बिना काटे छोड़ दे थोड़ा दो चार कुछ करके तो हो जाता, नाक ही काट दिया तो उसका शादी बंद हो गया, जिंदगी में शादी नहीं होगा। है रावण का पास गया रोते रोते, भैया बोले तू चिंता मत कर, हम देखते हैं क्या किया जाए, वो जो है हम कुछ विचार करें, चल जा देखे। उसके बाद उसका साथ दुश्मनी किया, मारिच को भेजे, मारिच माया विस्तार करके सोने का हरिन बना करके। और पहले तो ऐसा है तो सीता देवी ने कहे तो ये पकड़ के दो सोने का हरिन, हम आश्रम में रखेंगे, बहुत देखने का शोभा होगा। राम बोले छोड़ो ना ये सब बेकार, कुछ ना उसको देना पड़े। राम उसका पीछे गए, जाने के बाद आई नहीं रहा, कहा सीता देवी लक्ष्मण को बोले तुम जाओ भैया, बोले ना हमको तो भैया बोला आपका रक्षा के लिए इधर हमको लगा के गया, हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा एक बात ऐसा बोला लक्ष्मण जी का हृदय में लगा, ऐसा कुछ बात ये बोलने का दरकार नहीं, तो भैया ऐसा है भैया का पीछे जाओ, भैया का क्या हुआ, भैया का कुछ नहीं हुआ भाभी, तुम जाओ हम बोल रहे, कुछ हुआ होगा उधर। उसके बाद क्या हुआ, लक्ष्मण ने बोले ठीक है भाभी एक काम करो, मैं आपको ये जो तीर है, जो ये है धनुक, ये तीर है, तीर से क्या की पूरा एकदम एक तो चौकिंग कर दिया, मैंने एक तो बाउंड्री कर दिया, जो बोले भाभी इसका बाहर बिल्कुल मत जाना, इसका बाहर जाओगी, इसका बाहर जाओगी तो यहाँ बहुत राक्षस असुरों का बड़ा उत्पात है, कुछ भी हो सकता। भाभी बोले आप चिंता ना करें आप जाओ, फिर भाभी जी रह गई। उसके बाद पीछे से रावण आके पूरा सन्यासी का भेज दे, भिक्षाम दे ही ऐसे करके आए, और भिक्षा देने के लिए आए तो सीता देवी ने भिक्षा देने के लिए किए, बोले भिक्षा तो अंदर से हम नहीं लेंगे, हम ऐसा भिखारी नहीं है, हम सन्यासी है, देखो भिक्षा देना है तो बाहर आओ। रावण ने देख लिया पैर को अंदर रखा तो आंख जल रहा है, बोलो सोच गया ऐसा बाउंड्री करके गया, अब जाना संभव नहीं है, तो बोले भिक्षा हम ऐसे नहीं लेंगे। तो कैसे लेंगे, बोले अंदर से बाहर रहो, बाहर आके भिक्षा दो तो हमारा सम्मान, सन्यासी का तो सम्मान है। बाहर जब पैर को रखी बस पकड़ने गए तो सीता देवी क्या की, शरण ली ठाकुर जी का, उसके बाद की अग्नि देवता ने सीता, असली सीता देवी को गायब कर दी और नकल सीता जो है छाया सीता को सामने कर दी। रावण सोचे कि हम सीता को पकड़ लिया, ऐसा करके हा हा करते करते रथ को उठा के फिर चल दी एकदम, और जो चल दी उसके बाद सीता देवी क्या करे ये तो दिखाना है। सीता देवी क्या की, सीता देवी रोना एकदम शुरू कर दी। उसमें जटायु जो है दशरथ जी का दोस्त है जटा गिद्धराज ने देखे, अरे ले जा रहा है सीता देवी को, हमारे आपने गया उधर उड़ के पंखा देख के उसका साथ बहुत लड़ाई किया, वो तो है तो रावण है, अपना चाकू उतना जो है रथ चलाते जाते ऊपर से एकदम मारा है इसको, इसका जो पाखा है काट के फेंक दिया। जटायु आस्ते आस्ते धीरे धीरे गिर गया लेकिन प्राण को पकड़ के रखा है, जब तक राम का साथ दर्शन ना हो तब तक पूरा घटना जो है बताए बिना हम अपना शरीर को नहीं छोड़ सकता। ऐसे सीता देवी क्या की, ऊपर से जितना सारे गहना है अपना बाजूबंद जितना सारे हैं ऊपर से फेंकना शुरू कर दी ताकि राम जी को पता चले, ऐसा करके नूपुर है बाजूबंद है सब टिकर सब फेंकना शुरू कर दी। और रास्ते में एक कंगन कुछ मिला
और राम राम जी पैर का कुछ मिला, ये जो हाथ का कुछ मिला, हार चंद्रहार मिला जंगल से, राम ने उठाया। लक्ष्मण जी को बोले, लक्ष्मण देखो तो ये जो चंद्रहार है ये तुम्हारा भाभी का है ना। लक्ष्मण बोले, भा भैया क्षमा करे, मैंने जब भी देखा भाई का भाभी का चरण को ही देखा, मैंने कभी ऊपर देखा नहीं, मैं कैसे समझे कि भाभी जी का भाभी का इधर चंद्रहार भाभी जी का है कि किसका है, हमको क्षमा करो, हम जानते नहीं। जब भी देखे भाभी जी का चरण कमल को ही हम देखा और कुछ नहीं देखा। बड़ा आश्चर्य हो गया लक्ष्मण का भक्ति। फिर इसके बाद राम जी जो है रोते रोते सीते सीते करके ऐसे रोते रोते जगतवासी को दिखाए, जगतवासी को प्रमाण किए। सीताकृत व्यासनानी कुतो ईश्वरस्सो, ईश्वर जो है परात्पर अखिलेश्वर, इसका कोई कोई दुख होता है, कभी होता है, कभी संभव है? साक्षात भगवान, इसका कोई दुख? फिर भी दुख दिखाया, देखो जगतवासी के प्रमाण किया, देखो जोड़ी रहे तो पीछे ऐसा कष्ट मिलते ही रहेगा, हैं जोड़ी जुमाए तो ऐसा ही है। तो इधर बताए कि देखो गुरुवार थे त्यक्तो राज्यो व्याचरत अनुवनम, बोले गुरुवार थे त्यक्तो राज्यो व्याचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजितो पथो रुजो जो हरिंद्रानुजाभ्याम। और विरूप इधर क्या हुआ, बोला विरूप्यात सुरपोनख्या प्रियो विरोह रुषा है और रोपितो भ्रू वृजिम्ब त्रस्ता तस्त्राधि बद्ध सेतु खलो दबो दहन है कौशलेंद्र मान कौशलेंद्र अवतार न बजे। ये जो कौशलेंद्र का अवतार हुआ, भले जिन्होंने पितृशत्रु पालन के लिए जंगल में गए, सुकुसुम जो जो चरण कमल अति सुकुमार, ये जो राम जी है अपना चरण कमल के द्वारा वन भूमि में विचरण किए, हनुमान सुग्रीव लक्षण जिनका पथ शांति को दूर करते थे, सुपर्णखा का नाक कान काट दिया था, कान भी दोनों नाक और कान काट दिया था, विरूप कर दिया। और इसके बाद सीता का अपहरण हुआ, उसके बाद जो है सीता को उद्धार करने के लिए समुन्दर को बंधन की, समुन्दर बंधन करके हनुमान जी जितना सारे वानर सेना है सब कोई को लेके है, भले पहले तो बोला विश्वमित्वा धरे, और धरे मतलब जोग्य में विश्वामित्र अधरे जेनो मरीचाद्या निशाचरहा पश्यतो लक्षण सैव हता नैरीतो पुंगवहा। जैसे विश्वामित्र का जो यज्ञ में बड़ा भारी अशांति किया, निशाचरों को सब विनाश किया, इसका बारे में हम बोला। और जो बहुत सारे प्रसंग है, और श्री रामचंद्र लक्ष्मण के समक्ष में मरीचि आदि प्रधान राक्षसों को नाश कर दिया। जब भैया गए लक्ष्मण तो देखे राम जी भैया तीर देखे मारिच को मार डाल, खामा खा हमारा भाभी हमको भेजिए भेजी, जो भी है ये सब हो गया। उसके बाद जो है सेतु बंधन की, सेतु बंधन का समय में जितना सारे सुग्रीव आदि जो कुछ है सबका साथ दोस्ती हुआ। सुग्रीव का भाई बाली, बाली ने बदमाशी किया, सुग्रीव का पत्नी को उठा के ले गए, इसका कारण ठाकुर जी पीछे से ही मरेगा, वो कारण वो पीछे से ही मरेगा, इसका नियति ऐसा ही है। तो ठाकुर जी ने पीछे से उसको उद्धार कर दी। उसके बाद जो है हनुमान जी को भेजा, तो सीता देवी तुम्हारा मैया कहाँ है जे देख के आओ, दे अशोक वन में रो रही है, चारों राक्षसी है और बीच में सीता देवी बैठ के रो रही है। तो छोटा बन के टुक से सीता देवी का चरण का कमल के आए, और जो अंगूठी है, है अंगूठी है सीता राम जी का टुक से गिराया। देखिए बोले ये तो राम हमारा स्वामी का राम जी का है। हनुमान जी परिचय दिए, माँ आप चिंता मत करो, समय आ रहा है जिस समय सारे उद्धार कर देंगे, कोई व्यवस्था कोई चिंता मत करो, रावण तो राक्षस है
उसका सब व्यवस्था हो जाएगा। इसके बाद कई घटना है, लंका शिव लंका को गए हनुमान पहले अकेला खबर लेने के लिए, एक छलांग लगाया एकदम पूरा उड़ के गया के लंका में गिरा। हमारा जो आदमी है सो एजुकेटेड है, बोले ये सब बेकार की बात है, तुम बेकार हो, जर्मन में अभी भी रिसर्च हो रहा है, जो हनुमान था सुपरमैन, जर्मन में रिसर्च हो रहा रामन के ऊपर सब कुछ, पहले ये हर हालत में संभव है सुपरमैन, इतना छलांग लगाया पूरा एकदम जाके लंका में, लंका में जाके सब सब खबर फबर लेके आए, कहाँ सीता देवी है क्या कुछ है, लंका का पूरा खबर लेके आए। और उसके बाद क्या हुआ, लंका को बाद में जला दिया, पहले तो रावण का सामने जब गिर गया, रावण 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 का सामने गिर गया, रावण में ए कौन है तू, कौन है तू, ऐसा प्रश्न किया, तेरा इतना पावर हिम्मत है। तो हनुमान जी बोले ये तो राक्षस है, इसका सामने मैं क्या परिचय दूं, अपना जो परिचय है इसके राक्षस का सामने क्या दे। सोचते रह गए तो सीता देवी सूक्ष्म रूप में कानों में बोल के गया, क्यों बेटा बोल दे, हम राम दास है, हम राम की दास है, बोल दे परिचय दे दे। तो अंतिम में क्या रावण को बोले, हम राम दास है, मेरा नाम राम दास, ऐसा जो बोले रावण ने हा हा करके हंसना शुरू कर दिया, तू दास है, तू दास है, हमने सोचा तू कोई देश का नरेश होगा, राजा होगा, महाराजा होगा, तू दास निकला, बोला हां मैं दास हूं लेकिन राम का दास हूं, और तू जो दास है कामिनी कांचन सब चीज का दास है तू, मैं तो सिर्फ राम का दास हूं, हम तो दास है, ये दास शब्द सुन के तू हंसा, तू भी तो दास है, तू तो पूरा कामिनी कांचन जितना सारे है सबका दास है तू, मैं तो सिर्फ राम का दास हूं, परात्पर अखिलेश्वर श्री राम का दास हूं, राम का दास। इसके बाद क्या हुआ, उसका सिंहासन जो है, उसका सिंहासन जो सिंहासन के ऊपर बैठा है, हनुमान जी सोचा हम राम का दास है, राम सबसे ऊपर है, ए राक्षस है, मेरा ऊपर कैसे बैठे, मेरा ऊपर कैसे बैठेगा, तू तू तो राक्षस है, मैं राम का दास हूं, मेरा इज्जत नहीं है, बोल के अपना लैज जो है इसको पका पका के ऊंचा कर दिया उसका सिंह। रावण ऐसे दिख रहा है पहले तो ऐसा दिख रहा था, अब ऐसे दिख रहा है, बोले तेरे से ऊंचा हूं मैं, है तू राक्षस है। ऐसा करते करते बाद में क्या किया, पूरा लंका को जला दिया, रावण ने बोला उसका लेज है उसमें आग जला दे, नाग जला दे पूरा, मर मर के मर जाए बेटा बदमाश कहेगा। और जलाने का बाद वो बोले ठीक ही हुआ, और उसको लेके पूरा घर घर पूरा जला के खाक कर दिया, पूरा पूरा लंका को जला दिया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखो अब हनुमान तो है ही है, इधर से उधर छलांग लगाए, उधर से उधर छलांग, सारे घर घर में आग जल गया। अब तुलसीदास जी आज सिद्धांत गया, देखो ये राम की दास है, पूरा लंका को जलाने का बाद भी हनुमान जी को प्रश्न किए, तुमने लंका जला दिया, बोले नहीं हमने लंका नहीं जलाया, नहीं जलाया तुमने ही तो जलाया, और ना कर्ता कारयिता राम, हमने कुछ नहीं किया, हमारा कर्ता अभिमान नहीं है। तो तुलसीदास जी ने बोले कि पूरा तमाम इतना आदमी को मरने का बाद भी हनुमान जी को एक छोटा सा पाप भी स्पर्श नहीं किया, ध्यान देना, इतना लोगों को मार डाला, आखुन आग लगा के पूरा लंका को, फिर भी एक बूंद जो पाप है हनुमान जी को स्पर्श नहीं किया, इसका नाम है हनुमान जी। इसका बाद बहुत सारे घटना है, दोस्तों हम बता नहीं जाए तो रामायण शुरू हो जाएगा। इसके बाद पूरा जो है क्या, रावण कुंभकर्णों इसका साथ तो बड़ा भारी युद्ध हुआ, फिर रावण का लड़का जो है इंद्रजीत है, उसका साथ भी बड़ा भारी शक्तिशेल का प्रसंग है, शक्तिशेल का प्रसंग लेकर जोर जगत का कोई कवि है माइकल मधुसूदन बोल रहा है, शर्म की बात है, वो लक्ष्मण जी को नीचा दिखाया मेघनाथ काव्य में, हम बोला ये क्या है, ये तो पनिशमेंट उसको मिल ही गया क्योंकि हिंदू था, उसके बाद छोड़ के हो गया ख्रिश्चान है, गोमांस भोजी हो गया, तो उसके बाद उसका तो सत्यानाश खोद ही कर दिया। अब बाद में रोया, हे ठाकुर जी राधा गोविंद का तो चरण में तो दे दे मरने का टाइम पे, उस चरण में तो लेके क्या करे, उसका समाधि अभी भी है लोअर सर्कुलर रोड कलकत्ता में। ऐसा घटिया बुद्धि है क्या, हाय हाय हाय, सब ठाकुर जी का ऊपर बुद्धि लगाता है,
लक्ष्मण का शक्ति से लुके उसका बारे में बहुत सारे विचार है, क्यों ऐसा सम्मान दिखाया। लक्ष्मण जी साक्षात बलराम है, कोई नहीं जानता, देखो ऐसा बात है। उसके बाद जो है रावण का साथ बड़ा भारी युद्ध भाई, इतना बड़ा युद्ध हुआ, युद्ध का बाद क्या हुआ, बड़ा भारी युद्ध हुआ, युद्ध का बाद रावण का 10 कंदर जो है एक एक करके काटना शुरू कर, 10 कंदर है, एक गला को काटे और फिर दूसरा गला आ जाए, एक गला को काटे दूसरा गला आ जाए, ऐसा करके जो है 10 कंदर जो है 10 कंदर रावण को नाश किया एकदम करके, उसका उद्धार कर दिए। उसके बाद पूरा तमाम जो है जितना सारे सैन्य सामंत सब लेके स्वर्ग का जो पुष्प रथ है उसमें बैठ के, पुष्पर छोटा मोटा नहीं है, सब उड़ गया, और सारे उठो एक साथ एकदम फुल ट्रूप्स पुष्पर में चढ़ के ऊपर से आ रहा है। राम जी महाराज जिस दिन रावण का साथ युद्ध करने के लिए गए उसका नाम है विजयादशमी, विजया। आज जिस दिन वापस आया वो उस दिन दिवाली है, दिवाली का दिन 15 दिन बाद लौटे, इसका नाम दिवाली है। इसलिए घर घर में अयोध्यापुरी में और तुम्हारा क्या कहे जनकपुरी में पूरा दीपदान पूरा हो ही हल्ला, राम जी आ रहे हैं वापस, पूरा एकदम ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रहा है, और राम जी सारा हनुमान लक्ष्मण सुग्रीव सब लेके रथ करके आए। आने के बाद अभी जो है जनकपुरी से नौता आया, इतना दिन बाद जमात आया है, इतना समस्या के बाद बेटी बेटिया रानी भी आई है। उसके बाद जनक महाराज निमंत्रण किए और राम जी बोले, राम जी को निमंत्रण भेजे, राम जी बोले जो जाना ही पड़ेगा, एक दफे तो जाना, शादी का बाद भी तो ऐसा लपड़ा हो गया, तो जाने का तैयारी में थे सारे हनुमान लोग जो है जो जितना सारे है, बोले ठाकुर जी हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे आपका साथ नानी हाल पे। बोले ना आप लोग मत जाओ, आप स्वभाव में चंचल हो, उधर जगह क्या कुछ करोगे, सब हंसते रहेंगे, ना ना हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम आपका साथ जाएंगे पीछे पीछे। बोले ना ना तुम बिल्कुल मत जाओ, वहां हंसी उड़ाएगा, ससुराल है उधर, वहां जाके तो क्या करोगे, ऐसा ऐसा करोगे उल्टा सीधा, हम कुछ नहीं करेंगे। अब नहीं नहीं होगा नहीं, जाओ मत उधर, जाओ मत। तो जितना सारे हनुमान लोग है बांदर लोग है बड़ा दुखी भाई, बोले राम जी हमको नहीं ले रहा है हम लोगों को। बाद में जाम्बुवान जी का पास गया जो ब्रह्मा जी का अवतार है, उसको बड़ा सम्मान करते थे राम जी, जब भी आए आसन से उठ के आओ आओ जी सम्मान कर दंडवत करते थे। जाम्बुवान जी आए, राम जी बोले कहो कैसे आना पड़ा, बोले एक विनती लेकर आया हूं, विनती आदेश बोलो आप, जैसा आप आदेश बोलो, कैसे बूढ़े बड़े बूढ़े हो आप आदेश बोलो। बोले आदेश नहीं एक विनती है, जितना साले बांदर सेना है सब आपका साथ जाना चाहता है, आपका ससुराल में नानिहाल पे आपको ले जाओ। राम जी ने सर झुकाया, बोले महाराज हमने तो ऐसे ही ना कर दिया कि वहां जाके बंदर है सो हनुमान है, क्या करे ना करे, हंसना शुरू कर दे। बोले ना हम है कुछ नहीं करेगा, हम है सब ट्रेनिंग दे के हम ले जाएंगे, तो आप ट्रेनिंग दे के ले जाओ तो ट्रेनिंग दो ठीक है। बोले ऐसा ट्रेनिंग दे के उधर जाके कुछ नहीं होने वाला, आप निश्चिंत रहो। राम बोले तो ठीक है आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो ट्रेनिंग दो, ले ट्रेनिंग दिया। देखो जो हम करे वही करना, जो हम ना करे नहीं करना। बोला हाँ हाँ जो आप करोगे वही करें, जैसे हम बैठेंगे वैसे बैठना, जैसे उठेंगे जैसे हम करें वैसे करो। बोला ठीक है। अब जाके क्या हुआ, ऐसे ही जो जनकपुरी है उधर का जो भोजन है देखने का लायक, अभी भी राम जी का जो जगह है वो जो सीता देवी का ससुर, सीता देवी का राम जी का ससुराल, जनकपुरी में तरह तरह का मिठाई बनता है, इतना मिठाई सुंदर ये लोग जानता नहीं, इधर इतना सुंदर बना सकता है सब, भोजन बनाया बड़ा एकदम दिल खुश हो जाए सब। अब बांदर लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, मैदान में पूरा झुंडू लाइन लगा के बैठ गया, एकदम बैठो चुपचाप, उसको आम है कटहल है जितना सारे स्वादिष्ट सब फल है सब परिवेशन किया गया। जम्बुवान जी ने बोला अभी नहीं खाना, और देखते रह गए लोभ हो रहा है, अभी नहीं खाना पूरा परिवेशन हो जाए उसका बाद आचमन करके बस होगा, वो बैठे हैं। उसके बाद जब हुआ भोजन शुरू हुआ,
जांबुवान जी ने देखी इतना बड़ा आम कहां से आया, इतना सुंदर गंध आ रहा है, इतना बड़ा आम को पकड़ा। ऐसे तो जांबुवान जी है, एक एक अस्त्र पकड़ा था, इतना बड़ा बड़ा इतना वीर है। आम को जैसे पकड़ा ऐसा करके आम को उठा के पकड़ा, आम से क्या गुठली क्या ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। जांबुवान ने बोले इतना हिम्मत है, ऊपर चला गया उसको लेने के लिए, हाथ बढ़ाया, लोग क्या बोले उसको पकड़ लिया, आ सारे बंदर लोग हुम 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 सब शुरू कर दिया, बोले आप जो करोगे वो हम करेंगे। गुठली ऊपर चला गया, लोग क्या बोले हम जांबुवान है, ऊपर पकड़ने की गया वो भी उठा, ऐसा 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 पूरा एकदम जितना सारे जनकपुरी हंसते हंसते भागत। राम जी बोला इसीलिए तो बोला था मत जाओ, कैसा ट्रेनिंग दिया देखो कैसा ट्रेनिंग दिया आपने। ऐसा ही है, फिर उसका बात जो है विशेष सिद्धांत तो है, ये तो मजा देने के लिए सब बोला, सुंदर सिद्धांत तो है रामायण भवन में है, बहुत सारे पुराण में। इसका बात क्या हुआ, सीता देवी को परीक्षा देने के लिए राम ने बोला, क्योंकि रावण का अधिकार में थी। इसके बाद जो जब अग्नि परीक्षा भई, अग्नि परीक्षा के द्वारा असली जो सीता अग्नि देवी छाया सीता को गायब कर दी, असली सीता को सामने ला दी। सीता को लेकर राम जी महाराज कई दिन संसार की, संसार करने के बाद पहले जन्म पहले समय ऐसा नियम था, राजा महाराजा लोग प्रजा का अंदर में कोई ग्रीवेंस कोई दुख है कि नहीं इसका पता लेने के लिए रात का टाइम में विचरण करते थे। पहले जन्म में ये था, प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज कई राजा अपना वेश को छुपा के, राजवेश नहीं साधारण एकदम ऑर्डिनरी बन के चादर मुड़ी दे के शीत काटा, जाड़ा का मौसम है तो और सुविधा है कि चादर मोड़ लो मुड़ के घूमने बैठ, पूरा राज्य में किसी जगह मेरा दुख है कि नहीं, क्या अन्याय हो रहा है कि नहीं, ऐसा दिखने के लिए निकाला। और अचानक एक मुकान पे बीबी पति पत्नी झगड़ा हो रहा है, बोले झगड़ा देख के राम जी थोड़ा ठहर गया, क्यों झगड़ा हो रहा है, हमारा राज्य में तो कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, इधर क्या बात है। बोले देखा वहां जो पति है वो पत्नी को गाली दे रहा है, गाली दे के बोले ए, मैं राम नहीं हूं जो दूसरे के घर में गया हुआ पत्नी को फिर हम भजन करे, जाओ भाग यहां से। राम जी बोले हाय राम, राम जी स्वयं बोले हाय राम। राम जी बोले तो बड़ा मुश्किल है मेरा ऊपर, तो मेरा बीवी का मेरा जो पत्नी है धर्म पत्नी इसका ऊपर है, जो नगरवासी है इसे किसी का भी संदेह हो तो मुश्किल है, इसका हम समाधान करेंगे। बोल के क्या की, तो उसके बाद क्या की, उसके बाद सीता देवी को लक्ष्मण के साथ पूरा जंगल में देख आया, जा पूरा जंगल में देख आया। सीता देवी रोते रोते पागल हो गई, जब जाने का टाइम में अंतसत्या इस अवस्था उधर जाके जंगल में दो लड़का प्रसव की, हाँ मैया सीता मैया ने, इसका नाम है लव इसका नाम है कुश। और जितना ये जो यज्ञ है असमय यज्ञ इसका जो घोड़े हैं ये लव कुश ने बच्चा है पकड़ लिया, तो लड़ाई करने के लिए आए सेना, बोले किसका हिम्मत है ले जा, ये दो बच्चा इतना लड़ाई किया, राम घबरा गया, कौन हो सकता कि मेरा साथ मेरा ट्रूप्स जो है इसका साथ मेरा सब साथ लड़ाई कर सके, हिम्मत किसका है। ये है लव और कुश, उसका भी जन्म है, बहुत सारे घटना है। जो विशेष बात है इसमें, विशेष बात क्या है, ये जो सीता देवी का लिए जितना सारे घटना है ये सब जो है ये सब तो रामायण में है, साक्षात भगवान है, भगवान के लिए कभी ये सब संभव नहीं, लेकिन ये दिखाया लीला इच्छा करके। और जब सीता देवी को जंगल भेज दिया गया तो जितना सारे जाग यज्ञ हुआ, राम जी ने यज्ञ किया ना, बहुत सारे यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ किया। यज्ञ करने का टाइम में तो पत्नी का जरूरी है, जो शादीशुदा है पत्नी जरूरी है, उस टाइम में सोने का सीता जो है सोने का सीता बनाकर उसको अधिष्ठान करके फिर बायां तरफ रख के यज्ञ किए थे राम जी। जितना सारे यज्ञ किए हर यज्ञ में सोने का सीता, सोने से सीता इसको अभिषेक करके पूरा स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा करके बायां रखकर तब यज्ञ किए। अब जितना सारे सीता घर में रखा हुआ सब ये सब है,
ये सब जो है, ये सब जो है, उसका बाद दंडकारण्य में जितना सारे ऋषि मुनि हैं सब राम जी को देख के गले लगाना चाहा, उसका स्त्री भाव आ गया, राम जी परम पुरुष उसको देख के स्त्री भाव आया। मुनि ऋषि को बोला इस जन्म में नहीं होगा, इस जन्म में नहीं होगा, मैं एक पत्नी धर हूं, मेरा नियम है मर्यादा पुरुषोत्तम, एक पत्नी छोड़ के दो नहीं, सीता छोड़ के कुछ नहीं, ये सब आप लोगों का मनवांछा पूर्ण करेंगे हम, जब जब हम कृष्ण बन के आएंगे द्वापर युग में तब सबका वांछा पूर्ण है, क्योंकि मैं तो स्वामी हूं, सबका ही स्वामी, भगवान के लिए तो कोई दोष नहीं है, सबका स्वामी भगवान है, किसी का अलग अलग जो स्वामी है बेकार का बात है, कोई स्वामी वामी नहीं है, ये तो संसार में रहने का एक चक्कर है, स्वामी तो एकमात्र कृष्ण है। इसका विषय में हम दशम स्कंध में जब घुसे चर्चा करने तो हम चर्चा करेंगे। तत्व को ऐसा व्याख्या करना चाहिए जैसे ठाकुर जी के ऊपर कोई मेटेरियल कंसेप्शन ना आ जाए, जड़ बुद्धि ना आ जाए, जड़ बुद्धि आए तो उसमें पतन हो जाए, ठाकुर जी का चिंतन होगा नहीं। इसके बाद जो है सारे दंडकारण्यवासी जो है, दंडकारण्यवासी लोग ने बोला कि ठाकुर जी हमको, ठाकुर जी बोला हाँ आप लोग आपका पूरा बात हम मानेंगे इस जन्म में नहीं। ऐसे जितना सारे गोपियां वृंदावन लीला में भगवान श्री कृष्ण जितना सारे गोपियों को शिकार किए, वो गोपियों से एक गोपिया नहीं, वृंदावन का है, फिर ये जो दंडकारण्य ऋषि सब है, फिर वो जो वेद आदि उपनिषद स्तुति किए, ये सब लोग भी गोपी बनकर जन्म लिए, ये सब कोई गोपी, गोपी का एक भाव नहीं, अलग अलग सा। फिर भील कन्याएं हैं, भील कन्याएं बहुत सारे, एक राजा था, बहुत सारे घटना आ जाएगा हम बताएंगे नहीं, इसका कन्याएं हैं बहुत सारे, वो भी भगवान श्री कृष्ण शिकार किए, वो गोपी गोपी रूप पकड़ कर आई वृंदावन में जन्म ली। वृंदावन में जन्म लेने का माने ये है अप्राकृत जन्म, वृंदावन गोपी गोपी घरे जन्म लेने का जो प्रसन्न है प्रसंग है, ये सब उल्टा सीधा व्याख्या नहीं करनी चाहिए, ये सब बारे में कभी समय हो तो हम चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है राम जी महाराज जो है पूरा अयोध्या को गए, अयोध्या में पूरा आनंद से आनंद के बाहर आया, पूरा जनकपुरी में दीपदान आदि कले के किले का खंभे रत्नों, पूरा रास्ता रास्ता में सारे हीरे मोती मानी एकदम बांटा जाए, वो राम जी आ रहा है, ऐसा आनंद हुआ और झूमने लगे पूरा अयोध्यावासी। और फिर जो है जो जनकपुरी वासी झूमने लगे, सियाराम 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 जय जय राम, ऐसा करके पूरा एकदम। और हनुमान जी का जो आनंद है वो बोलने का तो एकदम कोई रास्ता ही नहीं, हनुमान जी कौन है, मनोजबम मारुति तुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बातात्मजम वानर यजूत मुक्षम श्रीराम दूतम शरणम ममास्तु। कैसा सुंदर स्तुति है, मनोजबम मारुति तुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बातात्मजम बानर योजूत मुक्षम श्रीराम दूतम शरणम ममास्तु। जब तक हनुमान जी का शरण में ना जाए तब तक राम जी का कृपा मिलना संभव नहीं। मनोजवम मारुति तुल्य, मन की गति वेग से जाता है हनुमान जी, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम, मारुति बतास हवा का माफिक वेग ऐसे उड़ के जाता है, मनोजवम मारुति तुल्य वेगम ऐसा पावर है मारुति तुल्य वेगम। और जितेंद्रियम हनुमान जी महाराज को कोई माया आज तक स्पर्श नहीं किया, आचार्यों में राम जी का भजन में जितना आचार्य है ये आचार्यों में हनुमान जी सबसे ऊपर है, इसका बारे में व्याख्या किया था पंचम स्कंद में। मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी तो ऐसे ही दैन्य करके बोलते हैं, जो हमारा कौन सी खानदान में मेरा आविर्भाव हुआ, मेरा कौन सी विद्या है, कौन सी खानदान में मैं पैदा हुआ, बोलो जो राम जी महाराज कृपा कर दिया मेरा ऊपर, ये तो दैन्य का बात है। वास्तविक विचार है हनुमान जी महाराज से बुद्धिमान कोई नहीं है, हनुमान जी महाराज से बुद्धिमान कोई नहीं है, इतना विद्वान है लेकिन बाहर में
हनुमान मूर्ति पकड़ के रखा है इच्छा करके। हनुमान जी बोले पंचमस्कंद में बताया ना जे कैसे बोलो, अगर ऊंचा खानदान है, विद्या है, देखने में सुंदर है, ये अगर ठाकुर जी का कीपा का मसला होता तो हमको कैसे कीपा कर दिया, हम तो बानर कुल में आविर्भाव हुआ, क्या कौन सी खानदान है मेरा, देखने में कैसा है, हैं? कैसे कीपा कर दिया। तो ये कीपा जो है ठाकुर जी का कीपा, ये कोई ठाकुर जी का कोई भेदभाव नहीं है, जिसका अंदर में जितना ज्यादा प्रेम है ठाकुर जी उसी का ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। बुद्धिमाताम वरिष्ठम बातात्मजन बानरेजुत मुख्यम, जितना बानर कुल है उसका ऊपर सबसे ऊपर ये है। एक बात प्रसंग में आ गया, हनुमान जी जब लंका को जलाने के बाद आग को निभाना चाहा, आग कोई पानी नहीं मिला, अपना मुख में दबाना चाहा, वो मुख काला हो गया, उससे पूरा सीता जी बोले तुम्हारा मुख काला है, ये तो हो ही नहीं सकता, पूरा बानर कुल का काला करते, जैसे कोई दोष नहीं दे सके, पूरा काला कर दिया, जितना हनुमान देखो मुख काला है पूरा, ऐसा करके ठाकुर जी का ऐसा है। इसके बाद जो है सीता देवी का वर्जन का प्रसंग हम बताए, लव कुश का, राम जी का महिमा, सारे देवता लोग जितना सारे जो है सारे एकदम गाते रहते हैं, लक्ष्मण पुत्र अंगद चित्र केतु, भरत पुत्र तक्ष पुष्कल, शत्रुघ्न का पुत्र सुबाहु सुतसेन, और शत्रुघ्न जो है मधुपुत्र लवणासुर को बध करके मधुबन में ये मथुरापुरी को स्थापन किए। ऐसे तो मथुरापुरी नित्य है, ऐसा बहाना है, ये कहावत है कि ये जो लक्ष्मण जी लंका जय करके जो वापस आ रहे थे, बराहु जी उधर सेठ बराहु जी उसको उठा के ले आए, अभी वो मथुरा में वो सेठ बराहु जी अभी भी अर्चन हो रहा है, वो तब से लंका जय करके जब आए थे, जब लंका जब उस समय उठा के लाए लंका से, पूरा ऐसा है। अब विभीषण जी जो है, विभीषण का प्रसंग अगर ना बोले तो बड़ा अपराध हो जाएगा, विभीषण जी को बड़ा कृपा किए, विभीषण जी भैया को समझाए, भैया ऐसा मत करो, ये साक्षात भगवान है। रावण जी ने एक लात लगा छाती पर, तू गद्दार है भाग जा मेरा इधर से। लक्ष्मण ये जो तुम्हारा रावण का जो भाई है, कौन किसका बात बोल रहा है, विभीषण जी, विभीषण जी बहुत सारे समझाया, विभीषण का पत्नी का नाम सरोमा, बहुत सारे घटनाएं अभी नहीं बताएंगे, तो ये जो है बहुत सारे समझाया, भैया ऐसा मत करो, इस साक्षात परात्पर अखिलेश्वर इसको इसका बस में आ जाओ, बोले एक लात लगाए छाती पे, लात लगाने पर गिर गया, बोले भाग हमारा इधर से, तेरा दरकार नहीं, तेरा माफिक भाई का लात लगा दिया था। विभीषण आके रोते रोते आए, बोले भैया ने भैया को सच्चा बताया, अब भाई माना नहीं। इसके बाद श्री राम जी का पास आए, चरण में शरण लिए, राम जी बोले आप चिंता मत करो, ऐसे तो अब भक्त तो है ही है, भक्त तो है ही है विभीषण जी, विभीषण जी को कृपा किए। उसके बाद राम जी महाराज जब रावण को उद्धार कर दिए, रावण कुंभकर्ण आदि सारे लंका जितना सारे जला दिया, सब खत्म हो गया, उसके बाद विभीषण को ये राजगद्दी पे बैठा दिया, तुम राजगद्दी पे बैठो, बैठा दिया। ये जो विभीषण का बात है, ये घर घरों में बातों बातों में होता है, किसी का साथ किसी का झगड़ा लगे तो बोले घोर सुत्त विभीषण, कभी ना बोलो अपराध हो जाएगा, बोलता है घर सुत्त विभीषण, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोल तो अपराध हो जाए, वो अज्ञान में बोलते हैं लोग, बिल्कुल मत बोलो अपराध हो, जो विभीषण है इतना बड़ा भक्त है, इसका बारे में ऐसा बोलते रहोगे तो ये बड़ा अपराध है, हैं? घर सुत्त विभीषण ये कैसा बात है, घर का शत्रु नहीं था वो, तो वैष्णव है, वैष्णव का भी शत्रु होता है, वैष्णव तो दोस्त, ये तो रावण राक्षस है समझा नहीं इसलिए गाली दिया, ऐसा तो विचार करके देखो तो इसका मापिक दोस्त कोई नहीं था, वास्तव तो दोस्त था, जो कृष्ण भक्ति के बारे में समझाए वही तो सबसे बड़ा, चैतन्य महाप्रभु तो यही बोला हैं, लेकिन वो माना नहीं, गुरु का काम किया रावण के सामने, गुरु का काम किया चैतन्य महाप्रभु, जो खंडवासी नरहरी और फिर
मुकुंदवार जिसका बारे में बताया था क्या है रघुनाथ रघुनंदन महाप्रभु नीलाचल में आने के टाइम में जब चौ मायना हो गया आने के टाइम में बुझा महाप्रभु हंसते हंसते बोला अच्छा रघुनंदन तुम्हारा पिता है कि तुम रघुनंदन का पिता हो ऐसे बताओ मेरा अंदर में संशय है। तो हंसते हुए बताया कि प्रभु रघुनंदन हम सबका गुरु है। महाप्रभु बोले क्यों बोले इससे हमारा सब हरि भक्ति हुआ गुरु भक्ति हरि भक्ति हुआ। महाप्रभु हंसते हुए बोले ठीक बताया जिससे हरि भक्ति होता है वही गुरु है आ चाहे तुम्हारा लड़का हो पोता हो कोई भी हो जिससे हरि भक्ति हो वही तुम्हारा गुरु। ये मान लो जैसे प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप का गुरु का काम किया था लेकिन वो माना नहीं गुरु माना ये माना ही नहीं जो 5 साल का ये लड़का है यही गुरु है माना ही नहीं। हिरण्यकश्यप गाली दिया मार इसको अरे 5 साल हुआ तो क्या हुआ 5 साल का गुरु है क्या जो चतुस्सन है 5 साल जैसा लड़का है गुरु नहीं जगत का है। हर वक्त गाते रहते हैं वो चतुस्सन जो है चतुस्सन का एक धुनी है हर वक्त चतुस्सन गाते रहते हैं जोलते रहते हैं वो गाते रहते हैं हरी शरणम ऐसा ऐसा करके गाते रहते हर वक्त हरि का शरण हर वक्त। यहां जो है देखो अभी ये सब बात हो गया उसके बाद जो है उसको राजगोदी में बैठा दिया। मिथिला का जो वंश है इक्खाकू नीमी जनक उद्वाहू नंदीवर्धन और भरत महाराज जी का बात भी बोलना था हम बताया नहीं समय कम की कारण। भरत महाराज जी का जो वैराग्य है सुनोगे तो पागल हो जाओगे। जितना दिन था भैया राम जी जंगल से नहीं वापस आए तब तक क्या की भले नंदी गांव में जाकर माटी के नीचे गुफा पे बैठ के भजन की और राजगद्दी पे भैया का राम जी का जो खरम है वो रख के भजन की उधर गद्दी पे रख कर और अपने क्या की गौ माता जो मूत्र है गौ माता का मूत्र में इतना सा चाल राम 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 लेते हुए राम नाम इतना सा चाल वो गौमूत्र में डाल के आग में जलाकर जो अन्न बनता उसी को खा के जीवन धारण किया। गौ माता का जो मूत्र है उसमें चाल को ऐसा राम राम करते करते जितना चाल हुआ उतना चाल को डालकर वो बॉय उसको गर्म करके आंखें उतना खा के पूरा जिंदगी गुजारा जब तक ना आए रोते रोते पागल। ये भरत जी महाराज के बारे में अगर ना बताए तो मेरा दोष लग जाएगा। हनुमान जी भरत जी और ये सब थोड़ा बहुत बता दिया बहुत बताने का है अभी समय नहीं है। उसके बाद जो है इसके खानदान में जितना खानदान है करते करते सब आया। अभी ब्रह्मा का पुत्र जो है उत्री का तनय उत्री का लड़का का नाम है सोम। उत्री का 3 लड़का है उत्री मुनि का 3 लड़का है एक है सोम। उत्री का लड़का का नाम है सोम और सोम ने क्या की ये जो बृहस्पति का कांता उसको उठा के लिए उचित नहीं है लेकिन इस पर प्रसंग है विशेष। और शुक्रों का गुस्सा पहले से ही है बृहस्पति के ऊपर दोनों ये असुर का गुरु है देवता का गुरु इसलिए शुक्र इसका पक्ष में आया किसका सोम का पक्ष में और देवता और असुरों में बड़ा भारी संग्राम हुआ। उसके बाद ब्रह्मा आके बोला ऐसा उचित नहीं है दो वापस दे दो ऐसा बात है जो भी है बहुत सारे प्रसंग है आप लोग गलत समझोगे इसे हम डिटेल्स नहीं बताएंगे। उसके बाद जो पुत्र जन्म हुआ तो एक पुत्र जो है ये उसका नाम है बुध का पुत्र जो है ये जो चंद्रमा का पुत्र है बुध। ये बुध विचरण करते करते शुद्धन्नो का बात बताया था वो शुद्धन्नो लड़की हो गया लड़की उसको ये बुध शादी की उसका बहुत सारे प्रसंग है। उसके बाद बुध का पुत्र पुरुरोवा बहुत सारे प्रसंग है वो गलती हो जाएगा आप समझोगे नहीं। और पुरुरोवा जो है पुरुरोवा इतना बड़ा वीर है पुरुरोवा का वीर देखकर वीरत्व देखकर स्वर्गों का सारे राजा डरते थे इतना वीर है। और उसका वीरत्व देखकर स्वर्गों का जो अप्सरा उर्वशी उसका अंदर में आकांक्षा आए उसका संग चाहिए मेरे को बोल के उसको क्या की उसका
प्रेम निवेदन की तो उर्वशी का साथ जो पुरुरवा जो है, पुरुरवा बोले हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, आ जाओ एक साथ रहे। उसका बात की क्या की उर्वशी बोले दो मेष शावक है, दो मेष, मेष है ना पहाड़ी चट्टी में पालन करता है लोग, दो मेष आप रख लो, ये दो मेष को आप पालन करना, कोई ना उठा के ले जाए, ये मेरे को संभाल के रखना है, मेरा संपत्ति है। और पुरुरवा को बोला जो विशेष जो समय है आलिंगन का समय है वो छोड़ के किसी भी समय तुमको वस्त्रहीन देख नहीं सकता, जब भी देखे हम चले जाएंगे। और इसी समय में जो पुरुरवा का साथ क्रीड़ा चल रहा था उर्वशी का रात का समय, तो देखे अरे दो मेष शावक को कोई चुरा के ले जा रहा है, ओ ये मेरा मैं शावक को लेके गया मैं। तो पुरुरवा क्या किया, बेकार दौड़ लगाए, इसमें बिजली चमके। उर्वशी बोले थे इस समय तो हम आपको देखेंगे नहीं, भाई लोग बता दिया था हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, चला गया उर्वशी। उर्वशी जाने के बाद पुरुरवा रोते रोते पागल हो गया। देखो क्यों बताया ये सब प्रसंगो, भागवत में जो कुछ भी प्रसंग है सब अप्राकृत, इसमें प्राकृत बुद्धि नहीं करना। देखो इसमें क्या प्रसंग है, जो जो देके शुरू किया था जो श्लोक याद है ना, वो श्लोक आ गया इधर, देखो विचार आ गया। देखो पुरुरवा जैसा इतना वीर है, ये कामिनी का पैर पकड़ने के लिए हमको बचा, आपके बिना मैं मर जाऊं, पूरा रोते रोते पागल हो गया, इतना बड़ा वीर है, हैं जितना सारे पृथ्वी में जितना बड़ा बड़ा वीर है एक एक करके नाम लिए, एक एक कम के जो महाभारत रामायण छोड़ दो, मटेरियल जगत का जो उदाहरण दिए, ये उदाहरण देके सारे कामिनी के सामने सर झुकाया, सब उसी एक जगह सारे खत्म, वो जगह जय नहीं हो पाता इसी जगह है। इसलिए महाप्रभु ने क्यों बताया इस बात का हम कल चर्चा करेंगे। महाप्रभु का जो श्लोक बड़ा है, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारंग पारंग परंग बी जीगमीश भवसागरस्य संध्यर्शनम यशितानम हंचो विषयनम यशितानम हा हंत हंत विश्व वक्नो तो असाधु। इस श्लोक को काल व्याख्या करें, आप सुनोगे आश्चर्य, जो हैरान हो जाओगे। किंग विद्वया किन तपसा नहीं भूल गया, देखो जो भी है अभी जो है ये पुरुरवा का प्रसंग आया। ये पुरुरवा जो है पुरुरवा उर्वशी के बिना एकदम मरने का हालत हो गया, बाद में ढूंढते ढूंढते पागल हो तो उसके बाद गंधर्व लोग जो है उसको, हाँ गंधर्व लोग जो है गंधर्व लोग उसको क्या की, उसको चीटिंग किया, क्या की एक अग्निस्थ थाली लाके बोले ये उर्वशी है, उर्वशी की छाया है, जैसे अग्नि सीता देवी को हरण के इसको लेके हमारा उर्वशी उर्वशी करके बस समय। बाद में असली उर्वशी मिला हरिद्वार का उधर, उर्वशी ने कुछ उपदेश दी, इस बारे में काल चर्चा करके जल्दी एकदम, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रसंग है। किंग विद्या किन तपसा किन सुतेन भूल गया, देखो बार बार बोलते बोलते बार बार बोल रहे भूल गया अभी, जो भी है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वांछा कल्पतरु ऋषि के पासिंद व्यवश्य पतितानं पावन वैष्णवभ्यो।